نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزير من اهلي اللهم فكهنا في الدين आमीन सुम्मा आमीन कौमे लूत और उसका वाकया हजरत अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत इब्राहिम से है हमें सूरा अंकबूत की आयत नंबर छब्बीस के हवाले से पता चलता है क्या सुबहाना तला फरमाते हैं कि जब हजरत इब्राहिम को उनके बुतों को तोड़ देने की सजा की पादाश में आग में डाला गया था तो वह थोड़े लोग सिर्फ दो लोग हजरत इब्राहिम पर ईमान लाए उनमें एक हजरत इब्राहिम के चचा हारान की बेटी सारा जिनका बाद में हज़रत इब्राहिम के साथ निकाह भी हुआ और आपकी सोचा मोतरमा भी हुई हजरत सारा बिन तिहार और दूसरे हजरत इब्राहिम के भाई हारान हारान बिन तारे की बेटे लूत बिन हार बिन तारे हजरत लूत और हजरत सारा हजरत इब्राहिम के साथ इराक का इलाका छोड़कर फलस्तीन के इलाके में हजरत करके मुंतकिल हुए हज़रतूतम इस हिजरत के बाद हज़रत इब्राहिम के साथ फ़लस्तीन और मिस्र के इलाकों में सफ़र करते रहे दावत देते रहे और इस सारे असना में हज़रत इब्राहीम से अल्लाह की तलीमत एहकाम इस्लाम की तलीमत तरबियत और तज़किया हासिल करते रहे और फिर हज़रत इब्राहिम से ये तरबियत और इल्म हासिल करने के बाद जब नबूवत के अखलाक की तकमील हुई तो उस वक्त नबूवत से सरफराज किए गए और इस गुमराह सरकश बदकार कौम की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो शबी हमें इसराइलियात से मिलती है वो कुछ ऐसी है कि हज़रत हज़रतलू सलाम का रंग गंदमी कद मुनासिब मौज़ु कद बहुत ज़्यादा कदावर नहीं है चमकदार मोटी मोटी आँखें बदन पर ना ज़्यादा गोश्त ना कम गोश्त मजाज में बहुत ज़्यादा सादगी और तबीयत में हिल्म ये वाज़े तौर पर आपकी सिफात का रंग नज़र आता है कौमलूत का इलाका इस कॉम का कोई और नाम इसके अलावा कुरान में मजगूर नहीं है इनको अपने नबी ही के नाम के साथ मंसूब किया जाता है इस कॉम का इलाका फ़लस्तीन और इराक के दरमियान का इलाका है ये वो इलाका है जिसे शर् उर्दन या ट्रांस जॉर्डन का इलाका कहा जाता है सदुम का इलाका इसका दारुल खिलाफा या सदर मकाम था और हमें इसराइलियात के हवाले से पता चलता है कि इस सदूम के शहर के अलावा इस कौम के और भी चार बड़े बड़े शहर मौजूद थे सदूम के इलाके की बाक़ियात आज बहरे मुर्दार यानी डेड सी की शक्ल में मौजूद हैं तो गोया आज के जग्राफियाई नक्शे में डेड सी यानी बहरे मुर्दार और उसके इर्द गिर्द का इलाका गोया बुनियादी तौर पर कौम लूत का जग्राफियाई मस्कन है इस कौम की हालत क्या थी और अल्लाह सुबहाना तला ने इस कौम पर कौन कौन से इनामत की बारिश कर रखी थी यह कौम एक इंतहाई इनाम याफ्ता कौम थी बड़ी नेमत थी अल्लाह तआला की इस कौम पर बड़ी मुतमद्दिन कौम और अल्लाह सुबहाना तआला ने जिस जमीन के टुकड़े पर इनको आबाद किया था वो जमीन इंतहाई जरखेज थी दाएं बाएं दूर दूर, दूर तक बागात ही बागत थे आबो हवा मौसम बहुत ही पुरफजा और बड़ा ही खुशगवार और वैसे भी हमें पता चलता है कि अल्लाह सब ने इनको माली फराखी और खुशहाली की नमत से भी नवाजा था लेकिन इस माली फराखी और खुशहाली की नमत पर इनका मुस्बित रवैया होने की बजाय इनका हाल उस मिस्ताक पर जिसे कहा गया ना कि ऐश में याद खुदा ना रहा इस कौम का हाल ऐसा हो गया नेमतों की कसरत में नेमतों की कसरत में ऐसी ऐश परस्ती और ऐसी मादा परस्ती में मदहोश हो गए के ईमान और खौफ खुदा से महरूम हो गए अल्लाह ने मुख्तलिफ सूरतों में इनके कैफियतों का नक्शा जो है वो खींचा है और इनकी इस मादा परस्ती और इनकी इस माल की मोहब्बत और शिद्दत माल को जमा करने की जो ख्वाहिश थी उसी ने इनको सारी इनके अंदर गलत रवि जो है वो पैदा की और सबसे पहली गलत रवि जो इनके अंदर नुमाया हुई वो इनकी जिनसी ख्वाहिशात के हवाले से थी अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस बस्ती के मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों से रजू करने लगे थे सरा में अल्लाह सुबहाना ने इसका तस्करा किया न कुमलता तो न रिजाला शाह वत मिंदू इसमें कोई शक नहीं कि तुम औरतों को छोड़ के मर्दों के पास अपनी शहवत की तकमील के लिए जाते हो और फिर यह भी नहीं कि शहवतरानी के लिए ये बदकारी की एक नई रस्म को इन्होंने तरीके को इन्होंने ईजाद किया और ये बदकारी की लवात की इस तरीके के मूजद हुए ये बेहयाई में भी हद से ज्यादा हया ना रहे तो, तो जो चाहे कर, इनकी वो कैफियत को जब गुजर चुकी थी तो यह खुल्लम खुल्ला इन चीजों का इंतकाब करते थे इन चीजों की दावत देते थे इन चीजों के तस्करे करते थे और खुलम खुल्ला इन चीजों का एतराफ इनका तस्करा और इनका इरतक करने से ना शर्माते थे ना झिझकते थे ना हया करते थे अल्लाह साल ने सूर नमल में इनका तस्करा फरमाया आता तो उन आता वह अन तुम तुम सरून के आंखों देखी बेहयाई करते अपनी महफिलों के अंदर इन चीजों के तस्करे करते थे और इतकब करते थे और इनको हया नहीं आती थी बुनियादी तौर पर हम जिनसी लवादत के अमल के ये मुजिद इसको इजाद करने वाले और इसका आगाज करने वाले बुनियादी तौर पर शैतान के वसवसों का शिकार हुए शैतान जिसके लिए कुरान ने कहा इन्ना लकुम दुम मुबीन वो तुम्हारा कुल्लम कुल्ला दुश्मन है उसने इनके दिलों में क्या वसवसा डाला ये हुब्बे माल रखने वालों माल के परस्तारों के दिल में शैतान ने यह वसवसा डाला देखो जब तुम निकाह करते हो औरतों से बंधन बांधते हो निकाह करते हो उनके साथ जिसमानी ख्वाहिशात की तकमील करते हो तो इसका लाजिम नतीजा औलाद है और यूं निकाह के लाजिम नतीजे के तौर पर तुम्हें अपनी बीवी बच्चे अहले खाना की माली कफालत करनी होगी और यूं तुम्हारे सर पर बहुत सी जिम्मेदारियों का बोझ भी आएगा और तुम्हारा माल भी खर्च होगा तो हरीसों और बखीलों ने अपने आप को अपने माल को अपने बीवी बच्चों के नान नफके पर खर्च होने से बचाने के लिए और सुस्त और काहिलों ने अपने आप के ऊपर अलग जिम्मेदारियां लादे जाने से बचने के लिए शैतान के वसवसों पर लब्बैक कहकर अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील निकाह और, और औरतों से करने की बजाय मर्दों के साथ हम जिनसी करके अपनी जिनसी ख्वाहिशा की तकमील का तरीका इख्तियार किया ताकि लवातत के इस अमल से ना औलादें हों और ना अहल खाना बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों का बोझ हो और ना ही कोई माली कफालत का बोझ और जिम्मेदारी हो और यूं ये लवातत के कभी हराम और ना जायज अमल के मजिद बन गए लवात का अमल जो मर्दों का मर्दों से ताल्लुक है यह हराम अमल है मलून अमल है और यह सिर्फ अपनी बदकारी या फ़हाशी या बद बेहयाई ही की वजह से नहीं माशरे के ऊपर अपने जो कभी असरात हैं उनकी वजह से भी हराम है क्योंकि लवातत के इस अमल में मुलवस माशरे की जद सबसे पहले किसकर पड़ती है घर और खानदान पर इसकी पहली जद जो है वो घर के स्ट्रक्चर और खानदान के निजाम को तहबाला करके रख देती है इसलिए ये इंतहाई घनौना अमल है हदीसे मुबारक में इस हम जिनसी के हवाले से अल्फाज मौजूद हैं कि आप वसल्लम ने फरमाया कि चार लोग ऐसे हैं कि अल्लाह सुबहाना क़यामत के दिन ना उनको देखेगा ना उनसे बात करेगा ना उनको गुनाहों से पाक करेगा ला यु कल मिला वाला यानजर हो मिला या मिल्कि आमा वाला यू जकी है ना देखेगा ना बात करेगा ना गुनाहों से पाक करेगा ये चार लोग कौन से हैं वो औरतें जो मर्दों की तरह जिंदगी गुजारती हैं वो मर्द जो औरतों से मुशाबहत हासिल करते हैं और वो लोग जो आपस में लवात यानी हम जिनसी का अमल करते हैं या चौथा वो जो चौपाए के साथ गैर फितरी अमल का इरतकाब करता है अपीर हदीस के अल्फाज कि आप ने फ़रमाया, चार लोग ऐसे हैं जमीन पर चार लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह सुबह भी गजबनाक होता है और शाम को भी गोया या तो सुबह और शाम होता है या दूसरा मतलब है कि सुबह से लेकर शाम तक गजबनाक होता है चार लोग जमीन पर ऐसे हैं जिन पर अल्लाह आसमान में सुबह भी गजबनाक होता है और शाम में और इनमें से एक शख्स ऐसा है जिस पर अल्लाह चार दफा लानत करता है कुछ में तीन आता है कुछ में चार आता है और फिर आपने फरमाया मलून है वो शख्स जो अमले कौम लूट लूत करता है कोया ये हराम कबी मलून अमल जो अफराद को माशरों को कौमों को रहमत इलाही से महरूम कर देने वाला अमल है ये उसके मुजद करार पाए और बेहयाई की हदों को अबूर करके ये खुल्लम खुल्ला एलानिया इन कामों का इंतकाम करते और दावतें देते नजर आते इनका दूसरा गुना वो सबील लोगों का रास्ता काटना मुसाफरों की राह मारना यानी ये राहजनियां करते थे डकेतियां करते थे राहजनी करते थे लूट मार करते थे मुसाफरों के साथ ये जुल्म ज्यादी का इतकाब करके फितना बरपा करके उनका माल लूट लेते थे ये भी माल की मोहब्बत ही का वजह थी इसकी मुतहरक वजह भी माल ही की मोहब्बत थी इन्नाब्बल खैर शदीद इसकी वजह थी तो गोया माल की मोहब्बत ही ने इन्हें अंधा बहरा कर दिया अब ये माल के पुजारी माल की देवी को पूजने वाले ये तकासुर और माल की मोहब्बत ही में ये लवात का अमल भी करते थे हम जिनसी की बदकारी भी करते थे और ये रखजनी और डकेती और लूटमार भी उसी के चक्कर में करते थे तीसरा गुना इनका इस्तकबार और तकबर था हज़रत लूत हजरतलूतम जब इनको बात समझाते थे कुरान में मुतफर जगह पर इनके तस्कर ना सूरज शोरा में सुरूत में तो सूरज शोरा की आयत नंबर 167 में तस्करा आता है कि जैसे हज़रत लूत इनको बात समझाते थे तो ये हजरत लूत का साफ इनकार कर देते थे उनकी बात मानने से खुल्लम खुल्ला इनकार कर देते थे बल्कि आज हम सबक में भी पढ़ेंगे हजरत धमकी भी दी उखर आले को अपने घरों से निकाल दो ये तो वो लोग हैं जो बड़े पाकबाज बने फिरते हैं यानी हज़र जब उनको बदकारी से बचने और इस काम से बचने की ताकीद करते थे तो ये कहते थे हम तुम्हें अपने बस्ती से तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को भी अपनी बस्ती से निकाल देंगे तुम ज्यादा पाकबाज बने फिरते हो ज्यादा तुमने को कार बने फिरते हो तो गोया अगर मजबूरी तौर पर देखें तो ये वो कौम है जो माल की मोहब्बत की असीर थी नफ्स की गुलाम ठहरी और बस अपने इस नफ्स की गुलामी में आकर अपनी माल की मोहब्बत में आकर आजाद शहवत रानी लवादत की बदकारी का ईजाद ये सब कुछ करने के बाद पूरे तकबर जिद और घुमंड से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी पर जमे रहे इसलिए अजाब इलाही के मुस्तक और हकदार ठहरे अब अजाब इलाही कैसे आया और उसकी रुदात क्या थी जब अल्लाह की तरफ से इतमाम हजत मुकम्मल हो गई और हज़रतलूत एक तवील दौरानिय तक इनको अल्लाह की तलीमत और नाहक चीज़ों और गुना और हराम चीज़ों से बचने की ताकीद करते रहे तमाम हजरत मुकम्मल हुई तो फिर अल्लाह सुबहाना ताला के हुक्म से दो फरिश्ते आसमान से उतरे ये दो फरिश्ते आप अगर उदार पढ़े सूरा कबूद में आयत नंबर इक्कीस में अल्ला सुबहाना तै ने बताया कि ये दो फरिश्ते आज हम सूरा में भी पढ़ेंगे कि ये दो फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहिम के पास आए थे इंसानी शक्ल में आए थे और कैसे सलाम का मुकालमा हुआ और कैसे हज़रत इब्राहिम ने भुना हुआ बछड़ा उनके लिए पेश किया उन्होंने नहीं खाया और फिर हमें पता चलता है कि हज़रत इब्राहिम और वहीं पे उनकी रजा हज़र सारा भी तशरीफ़ फरमा थीं तो फरिश्तों ने पहले इसहाक और इसहाक़ा के पास हजरत याकूब आसलम दोनों की खुशखबरी दी और इस पर बीवी ने क्या कहा आद्दू क्या मैं जनूंगी वनाजुजुन मैं बूढ़ी हूं वजाबाली शेखुन और ये मेरा शोहर जो है वो ये भी बूढ़ा है तो के तरिश्तों ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है तुम पर अल्लाह की रहमतें हैं और ये दो खुशखबरियां देने के बाद फरिश्तों ने हज़रत इब्राहिम आलाम से यह तस्कर किया कि हमें कौमिक लूत की तरफ भेजा गया है और रजाब का तस्करा किया अब कुरान में आता है कि हज़रत इब्राहिम नरम दिल थे ऱीकुल्कल्ब थे और बड़े हलीम और बुर्दबार थे तो वो वो बहस करने लगे कि वहाँ तो लूत सलाम भी हैं तो अल्लाह ने फिर हुक्म दिया इब्राहिम हो आरज अनहा अनहाज़ा कि इब्राहिम ये जो बहस और तकरार है ना कि लूत सलाम के हवाले से इससे एराज करो इससे बाज आ जाओ फिर फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम इस्लाम को इस बात की तसल्ली भी दी कि अल्लाह के हुक्म से लूत इस्लाम और उनके साथी और ईमान लाने वाले जो हैं वो बचा दिए जाएंगे उसके बाद हमें पता चलता है कि ये फरिश्ते दो नौजवान खूबसूरत नौजवान मुसाफिरों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे गए कौम की जो कमजोरी थी जो उनकी उनकी जिस चीज पर वो टेंट होते थे और जो बदकारी का इतकब करते थे उसी के जरिए उनको आजमाया गया दो नौजवान खूबसूरत मुसाफिर लड़कों की शक्ल में हजरलूतम के घर यह फरिश्ते आए तो की आयत नंबर तैतीस में आता है कि हजरलूतम का दिल तंग हो गया ये दिल का तंग होना ये मेहमानों की आमद की वजह से नहीं था मेहमान नवाजी आपने पीछे भी देखा हजरत इब्राहिम की और बाकी अंबिया की भी सुन्नत है ये दिल का तंग होना इस वजह से था कि उनको पता था कि मेरी कौम अब इन खूबसूरत नौजवान लड़कों के साथ किस बदफेली का इरतकाब करने की ख्वाहिश रखेगी और हमें यह पता चलता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को कौम को इन खूबसूरत नौजवान मेहमान मुसाफिरों की आमद की खबर रसानी से मना किया था यह वो बीवी थी जो बुनियादी तौर पर ईमान नहीं लाई थी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ इतनी तवील अजवाजी रफाकत के बावजूद भी इसका दिल नहीं बदला था इसकी सारी हमायतें और इसकी सारी मुआवनतें जो हैं और इसका सारा ताल्लुक बुनियादी तौर पर अपनी काफिर मुश कौम के साथ ही था वो जो ज़िद्दी ढीठ मतकबर बदकार कॉमन है ना? इसकी सारी हमायतें बुनियादी तौर पर अपने उस कौम के साथ थीं मुतफरक तरीके पता चलते हैं कि इसने अपनी कौम को कैसे खबर दी कुछ हवालों में तो आता है कि अपने घर के पिछले दरवाजे से छुप छुपा के हजरत लूत इस्लाम ने मना कर दिया था रोक दिया था बाहर जाके खबर देने से लेकिन ये शौहर से छुप के घर के पिछली जानब से जाके अपने कौम के लोगों को इन नौजवान लड़कों की आमद की खबर बन्स नफीस खुद जाके दे आए थी और कुछ सवाल जहाँ से यह भी पता चलता है कि उस कौम के मेहमानों की आमद की खबर देने के तरीका एक जो उस बाशाह में राइज था वो ये था कि जब किसी के घर मेहमान आता उसकी मेहमान नवाजी के लिए जाहिर है जब वो चूल्हा जलाते मेजबानी के तौर पर कुछ पकता पकाता तो उनके घर की छत पे से धुआं निकलता और जब किसी के घर के छत पे धुआं और धुएं के असरात निकलते तो लोग भांप लेते कि उस घर में किसी मेहमान की आमद है तो इस खातून ने दानिस्ता अलामत के तौर पर कौम के लोगों को अपने मेहमानों की आमद की खबर देने के लिए वो चूल्हा जलाया आग भड़काई ताकि उसके छत में से जब ये आग और धुआं ये धुएं की अलामत और निशानी कौम देखेगी तो वो पहचान लेगी और अपने मकसद और अपनी खबर पा लेगी बहरहाल ये बीवी का रवैया क्या है अल्लाह की ना है अल्लाह के रसूल की नाफरमान है अपने शोहर की नाफ़रमान है और सिर्फ शोहर की नाफरमान नहीं शोहर के साथ खयानत करने वाली भी है अब तसूरा तो निब पढ़ रहे हैं अच्छी बीवियों की सिफान सॉलहत नेक बीवियां औरतात फरमा बरदार अतात गुजार बीवियां हाफिजात अपने शोहरों के माल इज्जत आबरू और फिर उसके राजों की हिफाजत करने वाली तो ये अच्छी बीवियों की सिफात से मुतसिफ नहीं ये अपने रब और अपने रसूल और अपने शोहर की नाफरमान और खाइना थी अंजाम क्या हुआ हमें पता चलता है कि जब हजरत सलाम अपनी दो बेटियां और अहले खाना जो ईमान और साथी जो ईमान लाए थे इनको लेकर जब अल्लाह के हुक्म से बस्ती को छोड़ के निकले थे तो अल्लाह ने हुक्म दिया था कि तुम में से कोई पीछे मुड़ के ना चले बीवी को साथ लेकर ही नहीं निकले थे कुछ हवायात में आता है कि बीवी ने इनका ताकुब किया पीछे आई लेकिन जब अल्लाह का हुक्म था कि पीछे मुड़ के बस्ती वालों को ना देखना इसकी चूंकि सारी मोहब्बतों का और सारी हमायतों का मेहवर और मरकज तो इसकी बस्ती थी इसकी कौम के लोग थे इसका दिल तो उनके साथ जुड़ा था तो ये अपने शोहर अपने अहले खाना के ताकुब में आई तो सही लेकिन मुड़ मुड़ के अपनी बस्ती को देखती थी हालांकि अल्लाह ने इस चीज़ से मना किया था और कुछ रवायात में आता है कि यह भी अजाब से दो चार की गई थी और कुछ रवायात में यहां तक भी तस्करा आता है कि इसको फिर पत्थर का मुजस्मा बना दिया गया था यह इस राइलियात के हवाले से पता चलता और कुछ रवायात में यह आता है कि फिर उस पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर पड़ा था और वहीं हलाक हो गई बहरहाल असल बात क्या है कि नबी की बीवी होने के बावजूद अजाब इलाही हलाकत तबाही और बर्बादी से ना बच पाई असूल क्या मिल रहा है लहाबत वाले हम तसबत हर एक के लिए उसके अपने हाथों का कसब है फायदा अपना ईमान और अपना अमल देने वाला है इंसान के लिए अपनी सही, अपनी सही कोशिश अपनी एफर्ट अपनी नेकियां अपनी इबादत अपनी बंदगी अपनी अतात काम आए और फिर यह भी असूल वाजे तौर पर पता चल रहा है किसी नेकोकार से नेकोकार किसी इबादत गुजार से इबादत गुजार किसी सवाल से सवाल यहां तक कि नबी के साथ भी रिश्ता निजात का जरिया नहीं बनेगा निजात है इसी पर ही है। ईमान और ईमान के बाद अमल सवाल ये निजात का जरिया बनेगा वही बात जिसकी आपने निशानदेही फरमाया था या फातिमा किसी नफ्स की मिनार फातिमा अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो फैनी इला हमले को मिनल्ला शैया मैं तुम्हारे लिए कुछ इख्तियार नहीं रखता तो यह वाज तौर तो पर पता चल रहा है हमने नू असलाम का किस्सा भी पढ़ा हमने लूत इस्लाम का किस्सा भी अब पढ़ा और देख लिया किसी नबी से भी ताल्लुक उससे उस रिश्ता निजात का जरिया नहीं निजात अपना ईमान और अमल ही बनेगा अब जब इस खाइना नाफरमान सरकश बीवी ने कौम को उन दो नौजवान लड़कों के आने की खबर दे दी तो हुआ वही जिसका हजरतल को डर था वो कौम अपनी बेहयाई के नशे में अल्लाह तारा कुरान में फरमाते हैं कि हम तुम्हें क्या बताएं उनके ऊपर एक नशा सा चढ़ा हुआ था उस बेहयाई उस बदकारी के नशे में मस्त वो अपनी गर्ज और अपनी हाजत को पूरा करने के लिए दौड़े चले आए हजरत के घर की तरफ और कुरान की आयत बताती है कि उस मौके पर हज़रत हजरबूत इस्लाम ने उनको हर ही तरीके से कायल करने की कोशिश की तुम मुझे मेरे मेहमानों में रसवा ना करो फिर उन्होंने मिन्नत समाज से यहां तक कहा कि ये मेरी बेटियां हैं गोया अपनी बेटियां या कौम की बेटियां तक पेश कर दें किस मामले के लिए निकाह और जायज तल्लुक के लिए नबी की कुर्बानी की हद और इंतहा देख लीजिए अपनी बेटियां या कौम की बेटियां पेश कर दें कि उनके साथ अपने निकाह करके और अपनी जायज़ ख़्वाहिशात की तकमील करो और ये बदकारी के अरतक से और मेरे मेहमानों की ज़िल्त तो और रसवाई से मुझे बचा लो लेकिन ये हजरदूत सलाम के दरवाजे और कबाड़ तोड़ तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और हमें पता चलता है कि हजरदू सलाम फिर बहुत ज़्यादा जब उस वक़्त परेशान और कमजदा थे और घबराहट का शिकार शिकार थे तो ये नौजवान जो बुनियादी तौर पर फरिश्ते थे इन्होंने हाथ बढ़ाकर ये आने वाले कौम के उन बदकारों की आंखें मूंद दी थी और फिर यह नाबीना होने के बावजूद अपनी बिनाई खोने के बावजूद भी हमें पता चलता है कि वो दरवाजे को और दीवार को टटोल टटोल के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और फिर इन फरिश्तों ने हजरतलू साम को तसल्ली दी कि आप अपना दिल तंग ना करें आप गम ना करें यह आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और रातों रात इस कौम को हिसाब से खत्म कर दिया जाएगा और फिर अल्लाह सब तजरत म को यह हुक्म दिया कि आप फसरी आप रातों रात अपने अहल खाना को और अपने साथियों को लेकर निकल जाए अजतूत इस्लाम की दो बेटियां जो उन पर ईमान लाई थी और जो साथी ईमान लाए थे उनकी मैयत में अपनी बस्ती को छोड़कर निकले बीवी के साथ जो मामला हुआ उसका हमने तस्करा कर दिया इस कॉम पर अजाब कैसे आया था जल्जले और फिर जलजले के बाद आतिश पिशाक के फटने इससे आतिश वशा के फटने से हम आज भी देखते हैं कि बसों का जब आतिश फटता है तो दो किस्म की चीजें होती हैं एक तो लावा और लावे के बह निकलने से बस्तियां जलकर राख हो जाती हैं और फिर जब आतिशांप फटता है तो आशिशा के फटने से उसके अंदर जो पत्थर और जो संगरेजे होते हैं वो भी दहकते हुए निकलते हैं पके हुए संग्रेजे निकलते हैं पके हुए पत्थर जो है वो निकलते हैं तो पके हुई मिट्टी के पत्थर जो है वो इस कौम पर आतिश विशा के फटने से बरसाए गए और कुछ रवायात में यहां तक पता चलता है कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने कुछ रवायात में पहाड़ों के फरिश्ते का तस्करा आता है और कुछ में हजर ज़िब्रिल अमीन का तस्करा आता है कि इस बस्ती के जो सदर मकाम का इलाका है इसको अपने हाथ पर उठा के उलट के जमीन पर पटखा था और इतनी बुलंदी और इतनी शिद्दत और कुत से पटखने की वजह से वो जमीन का टुकड़ा जिस पर वो जमीन पटकी गई थी वो जेर जमीन बहुत गहरी हो गई आज वहां पर बहरे मुदार उस जमीन के इलाके की अलामत और बकाया जात की शक्ल में इबरत की शक्ल में मौजूद है अल्लाह जबाना तला सूरह ज़ारियात के आयत नंबर 37 में और कुरान में मुतफरक जगहों में फरमाते हैं वलकद लक तरक न बयनात कि उनको हमने रोशन निशानी बना के छोड़ दिया हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हवाले से पता चलता है कि हजरत लूत और उनके साथी चालीस दिन का सफर करके यहां से फलस्तीन हजरत इब्राहिम के पास पहुंचे और फिर पता चलता है कि वफात तक उसी इलाके में क्याम बजीर रहे आज इस कौम की बाकियात किस शक्ल में मौजूद हैं बहिरा मुर्दार, डेड सी कौम लूत की आज सबसे बड़ी बाकियात की अलामत है ये वो इलाका है जो इनके सदर मकाम सदूम का इलाका था और आज इबरत लिल लबसवार बसारत रखने वालों के लिए कितनी बड़ी इब्रत है इस बहिरे मुर्दार में कि आज हमें इस बात का इल्म है कि इस, इस समुंदर इस इलाके के पानी के अंदर नमक की शरा यानी सॉल्ट कंटेंट इतनी ज्यादा है कि इसमें कोई आबी हयात मौजूद ही नहीं है ना जानवर ना आबी नबाता ना नाक्वेटिक ना लाइफ नाक्वेटिक एनिमल्स ना फिश नाक्वेटिक प्लांट्स सर्वाइव ही नहीं करते डेड सी में सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है कोई हयात किसी किस्म के नबतात किसी किस्म की मखलूक जो है वो इस पानी में मौजूद नहीं है ये इबरत है ये इबरत है उल्टा काम करने वालों को उल्टी सजा दी गई बस्ती को पटक के रख दिया गया और उस रुए जमीन पर आज एक बहर है बहरा मुर्दार जिसके ऊपर कोई चीज मौजूद नहीं है और आज रिसर्च करने वालों ने डीप सी डाइवर्स ने देखा कुछ लोग जो बहिर मुर्दार के अंदर डीप सी डाइवर्स गए उन्होंने देखा है कि इसकी इसकी बेड पे इसकी तह में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और इतना बड़ा कब्रिस्तान इसकी तह में नजर आया कि उसमें बीस तीस हजार कब्रें हैं गोया पता चलता है कि वो इलाका जिसके पास बीस तीस हजार कब्रों पर मुश्तमिल कब्रिस्तान है उसके पास कितना बड़ा शहराबाद होगा और वैसे भी बहिरा मुदार के इर्द गिर्द जो सारा जमीनी इलाका है उस पर आज भी लावे से बनाए जाने वाले पत्थरों और लावे के संग्रेजों के असरात आज भी इस कौम के अजाब की वाज निशानी और मुंह बोलती मुंह बोलती दलील है लेकिन बहिरा मुरदार की तय में इस कब्रिस्तान और इस शहरे खामोशा के अलावा उनकी इमारतों की कोई अलामत मौजूद नहीं है सारी की सारी इमारतें ढा दी गई हैं और सारी की सारी कौम बर्बाद और मिसमार कर दी गई है किसी किस्म की कोई अलामत इस कौम की तामीर उनकी इमारतों उनके खंडरात की शक्ल में बाहर कैफ मौजूद नहीं है अगर इस कौम के हवाले से असूल और पैगाम देखे जाए माल की मोहब्बत का अंजाम नजर आ रहा है तकासुर में डूबी हुई कौम का अंदाज और अल्लाह का उनसे इंतकाम वाज़े हो रहा है माल की मोहब्बत कितनी कभी और कितने बड़े बड़े गुनाहों के दरवाजे आसानी से खोल देती है यह वाजे तौर तो पर समझ में आ रहा है को मुतकासरों की तशरी इन नब्बे खैर शदीद कितना बड़ा फितना है और यह कितने बड़े, बड़े गुनाहों के दरीचे और दरवाजे खोल देता है यह पता चल रहा है हया की हिफाजत की अहमियत पता चल रही है बेहयाई के असरा कितने कबी हैं यह वाजे हो रहा है वो कौम वो माशरा जो बेहयाई बदकारी का इरतकाब करती है वो कैसे अजाब से मिटा दी जाती है ये रुदात वज़ा कर रही है किसी कौम की जिद उसकी ढिटाई उसके तकबर का अंजाम खोल के सामने नजर आ रहा है लवातत की कबाहत और उसका अंजाम वज़ा होता है अगर हम अपना मिनहसुल कौम महाजमा करें बहसीत कौम माल की मोहब्बत भी है तकासुर भी है रहजनिया डकैतियां लूट मार भी आम है हर किस्म की रहजनी और डकैतियों का बाजार गर्म है और सिर्फ यही नहीं हर किस्म की बेहियाई फहाशी और यहां तक के लवातत, लवातत मर्दों का मर्दों से हम जिनसी और सिहाक औरतों की औरतों से हम जिनसी आज हमारे स्कूलों हमारे हॉस्टल्स और हमारे मदारस को अपनी जद में लिए हुए नजर आती है ये सब कुछ हमारी गलियों कूचों बाजारों हमारे इदारों के अंदर खुल्लम खुल्ला मौजूद है आज हमारी महफिलों के अंदर खुल्लम खुल्ला एलानिया बेहया फहाशियां आम हैं अल्लाह सबाना तआला हमें अपन गुनाहों को देखने के बाद एतराफ करके इस्तार करने और उस बड़े अजाब से बचने की अता फरमा रकु नंबर सेवन आयत नंबर सिक्सटी नाइन का इब्रो ही कालू बुशरो और देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुंच गए ये फरिश्ते कब आए हैं हज़रत इब्राहिम के पास ये वो फरिश्ते जो हज़रत इब्राहिम सलाम के लिए रहमत खुशखबरी और बिशारत हज़रत इब्राहिम उलाद के पास खुश रहमत बिशारत औलाद और औलादों की औलाद की लेकर आए हैं और हज़रतूतम के लिए अजाब कौम के लिए वईद बन आए हैं इब्राहिम सलाम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुंचे कहाँ तुम पर सलाम हो रुक कर देख लीजिए सलाम जिसका हुक्म में मौजूद है वहा यो भी आहसाना मिना कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो उससे बेहतर सलामती की दुआ दो सिर्फ कुरान में नहीं नबी अलैहि वसल्लम ने भी जन्नत में जाने वाले आमाल की फहरिस्त में फरमाया सवाल किया गया वसल्लम हमें जन्नत में जाने वाले अमल बताएं तो आपने फरमाया भूखों को खिलाओ रिश्तों को मिलाओ सलाम को फैलाओ और नमाज उस वक्त पढ़ो जब लोग सो रहे हों तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे और सलाम में पहल करने को आपने आजजी और तकबर की नफ़ी का जरिया समझा और बनाया और ये अल्लाह के यहाँ रहमतों और अल्लाह के यहाँ दर्जात की बुलंदी का वसीला बताया सलाम सिर्फ शरीय मोहम्मदी सल अल वसल्लम में नहीं पिछली शरीयतों में भी राइज था सलाम को तख्लीक करने के बाद भी जो पहला हुक्म अल्लाह सुबहाना ताल फरमाया था सलम फरिश्तों के पास जाएं और क्या करें सलाम करें तो गोया सलाम तखलीक इंसान ही से इसका तरीक़ा रज था पिछले नबियों की शरीयतों में भी तरीक़ा रइज था और सलाम जन्नत के हसूल का जरिया आपस की बाहमी मोहब्बत के फरोग और फिर जन्नत में दाखिले का वसीला और सलाम जो शायर दीन है दीन की पहचान और इलामत है ये हमारी शरीयत में नहीं दीने इब्राहिमी में भी नजर आ रहा है फरिश्तों ने कहा सलाम इब्राहिम ने जवाब दिया तुम पर भी सलाम गोया सलाम का जवाब देना भी अंबिया की सुन्नत और पिछले नबियों का तरीका फिर कुछ देर ना गुजरी थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या लेकर आए एक भुना हुआ बछड़ा क्यों उनकी जयाफत के लिए लेकर आए अच्छा आगे चलने से पहले जरा यहां रुक के रोक सोच लीजिए कौन आया है और किसके घर आया है दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में मुसाफिरों की शक्ल में हजरत इब्राहिम के घर आए हैं अजनबी हैं, पराए हैं मुसाफिर हैं, टोटल स्ट्रेंजर्स हैं और घर में आ गए हैं और हजरत इब्राहिम उनकी मेहमान नवाजी उनकी जियाफत के लिए भुना हुआ बछड़ा रोस्टेड लैम ला रहे हैं क्या है आप सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया कि जिसके जो शख्स अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान लाता है उसे चाहिए कि मेहमान की मेहमान नवाजी करे यह तो ईमान का तकाजा है यह तो ईमान का तकाजा है और याद रखिएगा यह अंबिया लहम की है और फिर ये भी पता चल रहा है कि तमाम अम्बिया की सुन्नतें तमाम अम्बिया के तरीके तमाम अम्बिया का दीन और उनकी तालीमात कितनी मिलती जुलती हैं? यहां तक कि जिंदगी के एक एक छोटे छोटे शोबे में भी मुबासत और बिल्कुल हम रंग बिल्कुल हम रंग सुनते तो गोया मेहमान नवाजी अंबिया की सुन्नत है अंबिया के सहाबाक राम की सुन्नत है अल्लाह हमें दिलों की तंगी से बचकर इस सुन्नत को अपनाने की तोहफी किताब फरमाए और हदीस क्या बताती है मेहमान का हक तीन दिन है और मेहमान नवाजी का हक तो देखिए क्या अंदाज तो देखिए सुन्नत इब्राहिमी में टोटल स्ट्रेंजर्स टोटल स्ट्रेंजर्स और मुसाफिरों की मेहमान नवाजी के लिए भुना हुआ बछड़ा निकाला जा रहा है और उस दौर में उस दौर में कितनी मुशक्कत एक बछड़े को जिबा करने खाल उतारना गोश्त बनाना गोश्त पकाना आजकल के दौर में आजकल की सहूलतों में जहां कुकर्स भी हैं माइक्रोवेव्स भी हैं फ्रोजन चीजें और आइटम्स भी मौजूद हैं यहां पे मेहमान नवाजी में दिल तंग होने लगते हैं कैबिनेट्स ग्रोसरीज के साथ भरी हुई हैं फ्रोजन स्टफ के साथ फ्रीजर्स भरे हुए हैं लेकिन वो तो सब कुछ भरा हुआ है लेकिन दिल हिरस हवस और पुखल से भरा है कि दिल की तंगी मार जाती है आज लोगों को कुरान ने फरमाया मैं कश नफ्स का होमुल जो दिल की तंगी से बच गया वही फलाह पाता है अब याद रखिएगा एक मर्द अच्छी मेहमान नवाजी हमेशा तब कर सकता है जब उसके पीछे उसकी दीन की मददगार बीवी मौजूद हो मेहमान नवाजी में किरदार बुनियादी तौर पर खातन खाना का है खातिन खाना अगर मेहमान नवाज होंगी तो ही घर में मेहमान के साथ उसने सलूक और उसकी तवाजो और उसकी जियाफत का तरीका इख्तियार किया जाएगा अल्लाह हमें दिल की कुशादगी और हमें अता फरमा और दिल की तंगी से बच के अच्छे मेहमान नवाज मेजबान बनने के तरीके सिखा मगर मतलब जब देखा गया कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ते थे तो वो उनसे मुश्तबे हो गया और दिल में खौफ महसूस करने लगा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो भुना व बछड़ा उनकी जयाफत और उनकी मेहमान नवाजी के लिए लाए हैं लेकिन वो दोनों फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए हुए थे उनके हाथ नहीं बढ़ रहे थे और जब उन मेहमानों के हाथ इस जियाफ़त की तरफ नहीं बढ़े तो हजरत हजरत इब्राहिम के दिल में खौफ आया और वो कुछ डरने लगे डरे क्यों सबसे पहली बात तो उन्होंने खाया क्यों नहीं क्योंकि वैसे भी हमें हदीस के हवाले से और सनत के हवाले से ये पता चलता है कि जब मेहमान की तवाजो की जाए तो उसके भी लायक क्या है अपने मेज़बान की तवाजो और उसकी ज़ियाफ़त को कबूल भी करे दावत को कबूल भी करना और मेहमान नवाजी और ज़ियाफ़त को कबूल करना भी आदाब और अखलाक का तकाजा है बहरहाल इनके हाथ नहीं बढ़े हाथ क्यों नहीं बढ़े थे इसलिए नहीं बढ़े थे कि ये इंसान नहीं ये बुनियादी तौर पर फरिश्ते हैं खाना पीना भूख प्यास तो जिस्मानी तकाजा है फरिश्ते इन जिस्मानी तकों से बुलंद हैं। तो लिहाजा इन बशरी तकाजों से बुलंद होने की वजह से फरिश्ते होने की बुनियाद पर इनके हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़े थे अब दूसरा सवाल है कि इब्राहिम को खौफ क्यों महसूस हुआ क्या इसलिए कि हजरत इब्राहिम यह पहचान गए थे कि यह इंसान नहीं है ये फरिश्ते हैं क्या हजरत इब्राहिम को इनके फरिश्ते होने की वजह से खौफ महसूस हुआ था ऐसा मामला नहीं था अम्बिया के साथ तो फरिश्तों का ताल्लुक वही के सिलसिले में कायम होता है ये फरिश्ते होने की वजह से खौफ नहीं था ये उस दौर के माशती हालात के एक तरीके की वजह से खौफ था असल में था क्या उस दौर में आपको पता है कि चोरी रहजनी डकैती लूट मार का बाजार गरम था होता क्या था कि बहुत से चोर बहुत से डाकू बहुत से लूटने वाले लोग लोगों के घरों में घुसाते थे मेहमान बन के आते थे और फिर थोड़ी ही देर के बाद मेहमान के रूप में आने वाले ये डाकू उनको लूट लेते थे और उनके साथ चोरी और डकैती का मामला करके रवाना होते थे लेकिन उस दौर के डाकुओं के और उस दौर के चोरों के जरा एथिक्स मुलायजा फरमाए कि उस दौर के रहजन और चोर भी जब किसी के घर में मेहमान का रूप धार के आके उनको लूटते थे तो उस वक्त में लूटने से पहले वो उस मेहमान का खाना नहीं उस मेजबान का खाना नहीं खाते थे किस तकाजे पर कि उनका ये ख्याल होता था कि जिसका नमक खाएं अगर उसको लूटा तो गोया ये नमक हरामी होगी गोया जिस थाली में खाना उसी को छेद करना ये ये तो उन डाकुओं के भी रवैये के मुताबिक नहीं था लेकिन आज का हाल अरे उस दौरे जाहलीत की मुशर कौम के अंदर उस दौरे जाहलीत के इतने बुरे घनौनेकमाल करने वाले डाकुओं के भी एथिक्स उनको कम अज कम ये जरूर सिखाते थे कि जिस थाली में खाएं उसको छेद नहीं करेंगे जिसका नमक खाएंगे उसको हलाम नहीं करेंगे लेकिन आज हमारे माशरे में जो मदद करता है लोग उसी को डसते हैं जो मुआवनत करता है लोग उसी को नुकसान देते हैं जो सहारा बनता है लोग उसी को गरा के सुकून पाते हैं जिस ताली में खाना और उसी को छेद करना ये आज हमारे माशरे में बहुत आम है अपने मोहसिनों के एहसान का बदला देने के बाद उस मोहसिन के साथ मजीद जुल्म और ज्यादाती करना भी मेरे माशरे का दस्तूर है उस दौर के डाकुओं की भी एथिक्स इसके बरखिलाफ थी तो चूंकि जब हजरत इब्राहिम ने देखा कि ये नौजवान भी हैं और तनोमंद और खूबसूरत भी हैं और मेहमान की शक्ल में आए हैं और मेरी मेहमान नवाजी को कबूल नहीं कर रहे तो उनके दिल में ये खौफ महसूस हुआ कि कहीं ये डाकू या रहजन ना हो और इस वजह से मेरा मेरी मेहमान नवाजी को कबूल करके मेरा नमक और मेरे दस्तरखान पर खाना खा के मेरे साथ खयानत नहीं करना चाहते बहरहाल जब हजरत इब्राहिम ने देखा कि उनके खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ते तो उनसे मुश्तबे हो गए और दिल में खौफ महसूस किया उन्होंने कहा डरो नहीं हम तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं कोया अब इन्होंने अपनी कैफियत और अपना असल मिशन और मकसद और अपनी हालत जो है उसका बताया इब्राहिम की बीवी ये कौन है हजरत सारा हजरत सारा भी पास तशरीफ फरमा है वो सुनकर हंसती फिर हमने उनको इसहाक और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब और अल्लाद नरीना और नरीना के भी आगे बेटे और पोते की खुशखबरी दे दी इस मौके पर हजरत सारा ने क्या फरमाया वो बोली हाय मेरी कम वक्ती क्या मेरे यहाँ औलाद होगी जब मैं बूढ़ी या भी हो चुकी हूँ और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके हैं ईमान की हालत हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती ना और वैसे भी आप देखें कि हज़रत इब्राहिम की उम्र भी उस वक्त को शवायात में आता है कि सौ साल की उम्र थी और लगभग सौ के करीब एक शख्स जो खुद भी बुजुर्ग है और बाल भी सफेद हो चुके हैं और उन्होंने खुद भी कहा था कि अल्लाह से जब दुआ मांगी थी और बीवी भी बांझ अभी तक ला औलाद तो सहरी एक मोजा ही था जो होना था इस पर हजरत सारा बहुत हैरान हुई कि अब मैं पैदा करूंगी औलाद और अब मेरे यहाँ अल्लाह फरिश्ते उन्होंने कहा, तो कहा अल्लाह के, के घर वालों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं और यकीन अल्लाह नेहायत काबिल और तारीफ और बड़ी शान वाला है गोया एक, एक बड़ी उम्र की बाज खातून और एक इतने बूढ़े को औलाद का दे देना दुनियावी तकों पर तो हैरत का मामला है लेकिन औलाद तो जवानों को भी देने वाला अल्लाह ही है क्या बताएं एक जवान जोड़ा औलाद खुद पैदा करने और औलाद को खुद तखलीक करने और रहम मादर को रहमे मादर में उसको बढ़ाने या घटाने का इख्तियार खुद रखता है चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बीमार हो चाहे सेहतमंद हो उसका खालिक उसका राजिक उसका मालिक औलाद का तो रह मादर में रब ही है तो लिहाजा रब के लिए तो हर हालत में ये कुन है रब के लिए तो हर हालत में ये एक हुक्म है उसके लिए हर चीज का करना आसान है और फिर ये भी पता चल रहा है कि औलाद और नरीना औलाद और बेटे और बेटे के बाद पोते की खुशखबरी को अल्लाह ने क्या कहा अल्लाह की रहमत और बरकत रहम हमल का ठहरना औलादों का होना नस्लों का चलना औलादों की अफजाइश अल्लाह की रहमत और बरकत है फिर जब इब्राहिम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की खुशखबरी से उसका दिल खुश हो गया तो उसने कौम लूत असलाम के मामले में हमसे झगड़ना शुरू कर दिया झगड़ा क्या था बाकी सूरतों में हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहिम ने फौरन ही तस्करा किया कि वहाँ तो वहाँ तो लूत अम भी हैं और लूत अम का क्या रिश्ता था बुनियादी तौर पर हज़रत इब्राहिम के भतीजे थे तो अपने भतीजे भी असर भतीजे थोड़ा थे वो जो थोड़े से साथी ईमान लाए थे उन साथियों में से दो साथियों में से एक इतने बड़े कीमती साथी भी थे भतीजे भी थे ऐसे कीमती साथी भी थे और फिर यही नहीं क्या थे इनके अपने शागिर्द भी थे एक नबी भी थे तो बहरहाल इनके यहाँ तो बहुत से ताल्लुक और बहुत से बॉन्ड्स और लिंक्स थे हकीकत में इब्राहिम बड़ा हलीम और नरम दिल आदमी था और हर हाल में हमारी तरफ रजू करता था आखिरकार हमारे फरिश्तों ने उससे कहा क्या कहा या इब्राहिम ये फरिश्तों का अपना मामला और मकालमा नहीं था यह अल्लाह की तरफ से हुक्म हजरत इब्राहिम को पहुंचाया गया कि ये जो आप कौम लूद के अजाब के हवाले से बहस और जिदाल कर रहे हैं ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह सुबहाना तला का हुक्म टाला नहीं जा सकता तो लिहाजा इसमें बहस तकरार मंद करे इब्राहिम इससे बाज आ जाओ तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका है और अब इन लोगों पर वो अजाब आ कर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता और जब हमारे फरिश्ते सलाम के पास पहुंचे तो वो उनकी आमद से बहुत घबराया और दिल तंग हो गया और कहने लगा कि आज का दिन तो बहुत मुसीबत का दिन है हुँ? ये क्या बात हुई हजरत सलाम फरिश्तों की आमद पर कैसे आए थे दो खूबसूरत नौजवान लड़कों की शक्ल में जो मुसाफिर है मेहमान बनकर के घर आए थे मेहमान बनकर आने वाले फरिश्तों को देखने पर हज़रत इब्राहिम की सुन्नत तो दीन इस्लाम के मुताबिक उनकी मेहमान नवाजी की पहले सलाम सलाम के बाद मेहमान नवाजी इज्जत जयाफत लेकिन यहां पर हज़रत लूतम का दिल तंग भी हो रहा है घबरा भी रहे हैं और मेहमानों के आने पर कह रहे हैं ये बहुत बड़ी मुसीबत है आज का माशरा तो शायद इसको बड़े टेढ़े नजर से देखेगा क्योंकि आज के माशरे में ये तरीका है ये पता नहीं कहां से मुसीबत आ गई ये मुसीबत पता नहीं अब कितनी देर रहेगी ये जिस वक़्त दिल करता है मुंह उठा के आ जाती है मेहमानों को रहमत नहीं जहमत समझना चाहता है उनके आने पर घबराहट और तंगी का शिकार हो जाते हैं ये तंगी नहीं थी ये मेहमान की आमद पर नहीं मेहमान की आमद के बाद होने वाले मुमकिन कौम के रवैये पर दिल का तंग होना था वरना मेहमान मेहमान तो मुआजस थे मेहमान तो मोहतरम थे मेहमान तो सर आंखों पर रहमतें लेकर आए थे हज़रत लूत हज़रतूत सलाम का ये मेहमानों की आमद पर दिल तंग होना मेहमान की अपनी ज़ात की वजह से नहीं था उस मुमकिन रवैये की वजह से था जो कौम रूनमा करने वाली थी क्योंकि हज़रत लूत लूतः सलाम को अपनी कॉम की हालत का पता था उनको पता था ये नौजवान लड़के जो आए हैं इसके साथ मेरी कॉम का रवैया क्या होगा इसकी वजह से दिल तंग हुआ इन मेहमानों का आना था कि उसकी कौम के लोग बेख्तियार उसके घर की तरफ दौड़ पड़े दोहरा लीजिए व्यने भी आपको बताया अपनी बीवी को इन्होंने मना किया था लेकिन खाइना ना फरमान सरकश मुनाफिका बीवी ने क्या किया था किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली खयानत करके कौम को खबर दे दी और कौम जो है ये बदकारी का इंतका करने के लिए हजरत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ आ गई पहले वो ऐसे ही बदकारी के खूगर थे लूत सलाम ने कहा भाइयों ये मेरी बेटियां मौजूद हैं ये तुम्हारे लिए पाकिजा तर है सलाम का ये कहना या कौमी हा बनाती ये मेरी बेटियां हैं या तो मुफस्सरीन लिखते हैं कि हजरत लूत सलाम ने हकीकतन अपनी बेटियां हमें पता चलता है कि हजरतम की दो बेटियां थी और वो इन पर ईमान लाई थी या तो अपनी बेटियां और वैसे भी नबी जो है वो एक कौम के लिए या एक सरबराह जो है वो एक कौम के लिए बाप की हैसियत रखता है तो यहाँ इसका मतलब उसे ये भी लेते हैं कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम की बेटियाँ पेश की और याद रखिएगा अपनी या कौम की बेटियाँ पेश करने का मकसद नाऊजबिल्ला सुम्मा नाज़बिल्ला कोई बदकारी का मामला नहीं था नबी ने जो उनको पेश की थी कि ये बेटियां मेरी या कौम की बच्चियां तुम्हारे लिए हाजिर हैं तुम जायज तरीके से निकाह करके अपनी जिनसी ख्वाहिहिहिशात की तकमील करो और ऐसे एक और बात भी पता चल रही है देखें एक नबी एक नबी कौम के अफराद की इसलाह का कितना हरीस होता है एक नबी कौम को बेहयाई फखश और मुनकराज से बचाने का कितना ज्यादा खरीस होता है कि इतनी बड़ी कुर्बानी देने पर तैयार और आमादा नजर आते हैं नबियों की कुर्बानी का दर्जा देखें नबियों की कुर्बानी और ईसार का दर्जा देखें अपनी दावत और तबलीग में नबियों के अमर मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का अंदाज और उसमें कुर्बानी की हद देखें कि अपनी बेटियां उस बदकारी को रोकने के लिए पेश की जा रही हैं और फिर नबियों की और सुन्नत अपनी दावत अपनी तबलीग अपनी तासीर माशरे की असलाह का आगाज अपने घर वालों की पेशकश से किया जा रहा है ये उनका असार है ये उनका अखलास है ये उनकी क़ुरबानी है जो माशरे के अंदर भलाई और खैर को कायम करने के लिए दिया जा रहा है साथ ही कहा खुदा का खौफ करो फत हर बेहयाई फाशी पर किस चीज का किस चीज का तस्करा करना है अल्लाह की याद अल्लाह का तकवा अल्लाह के सामने हाजिर होने का खौफ और एहसास उजागर करना है अल्लाह का खौफ करो क्योंकि उस वक्त जब कोई शख्स बेहयाई के नशे में मस्त होता है उस वक्त उसको लोगों का उसको बरादरी का उसको किसी का कोई खौफ नहीं होता उस वक्त अल्लाह का खौफ दिलवाया जा रहा है और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे जलील न करो गया हजरत लूतम ने तो कौम को इस बदकारी से बचाने की हरी कोशिश की क्या तुम्हें कोई एक भी भला आदमी नहीं है उन्होंने जवाब दिया तुझे तो मालूम ही है तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है और तू तो यह भी जानता है कि हम क्या चाहते हैं लूतम ने कहा काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं तुम्हें सीधा कर देता या कोई मजबूत सहारा ही होता कि मैं उसकी पनाह ले लेता हजरत लूतम काश किस मामले पर कह रहे हैं काश मैं क्या करता फरिश्त नबियों की यास काश हसरत, आरजुओं का पैमाना क्या है मैं अपनी कौम की सलाह कर देता हमारी हसरतों के पैमाने क्या हैं? हमारी काश का पैमाना क्या है हम यास काश काश किन चीजों पर कहते हैं अल्लाह हमें भी अपनी हसरतों के पैमानों और तरजीहात की तरजीह को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए तब फरिश्तों ने उसे कहा एहलूत हम तेरे रब के भेजे हुए जब हजरत लूत इस्लाम बहुत ही परेशान हुए और कौम जो है वो बिल्कुल ही मदहोश थी और मस्ती और सरकशी करती चली जा रही थी और हजरत लूत स्ल्लाम का ख्याल था कि शायद ये अपने काम में कामयाब भी हो जाएंगे तो उनका दिल बहुत ही तंग हो रहा था तो फिर फरिश्तों ने तसली दी कि हम इंसान नहीं हैं हम फरिश्ते हैं और फिर वो हुआ जो मैंने अभी आपको दास्तान में भी बताया कि फिर फरिश्तों में से एक ने अपना हाथ जो है वो बढ़ाया और उनकी आंखें मून दी गई और वो आने वाले सारे लोग जो हैं वो नाबीना हो गए उनकी बिनाई छीन ली गई और हमें तक फरिश् ने कहा तेरा, लो, तेरा, लो, तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे बस तो कुछ रात रहे अपने निकल जा अल्लाह का सुनत और अल्लाह का तरीका हमेशा क्या होता है कि जब किसी कौम पर इतम आती है। और कौम पर अल्लाह की तरफ से अजाब का फैसला दो चार हो जाता है तो फिर अल्लाह ईमान लाने वालों को नबियों के साथ वहां से निकलने का हुक्म और उनको बचा लिया जाता है और अजाब रसीदा बस्तियों में उन अजाब रसीदा में सिर्फ ना सरकशों को अजाब से दो चार किया जाता था असातल्ला ने फरमाया देखो तुम में से कोई पीछे पलट के ना देखे पीछे पलट के ना देखने का हुक्म क्यों दिया गया था एक तो इस हवाले से दिया गया था कि आपको पता है कि जब ये लोग अपने घरों से निकले तो इनके घरों के निकलने के बाद जब ये अपनी बस्ती से निकल गए तो इनके निकलने के बाद इन पर उस आतिश फिशा के फटने से वो पकी हुई मिट्टी के खिंगर बरसाए गए और इस बस्ती का अमतरना इनके ऊपर बरसाई भी गई एक बुरी बरसात और फिर इनका उलट पुलट किया गया आलिहा साफिला हा, उलट पुलट इनको करके रख दिया गया कौम के ऊपर ये अजाब के असरात और कौम के ऊपर अजाब के आने को देखना उसका मुशाह करना और फिर उनकी चीखों को सुनना और बस्ती के उलट पुलट के होते हुए देखना ये एक दिल को हिला देने वाला मामला था तो नबियों को नबी को और नबी के ईमान लाने वाले साथियों को इसी लिए रोक दिया गया था कि जब ज़ाहिर है जब वो निकल रहे हैं और पीछे अजाब आ रहा है तो एक आवाज तो आई होगी एक शोर एक धमाका एक अस्तहाम बस्ती वालों की चीख पुकार उनके उलट पुलट होने की कैफियत ने तुम पलट के ना देखना पलट के ना देखना ये नज़ारा ये नज़ारा देखने के काबिल नहीं तुम्हारा दिल हिल जाएगा दहशतनाक अजाब के नजारों को देखने से बचने की ताकद की गई असूल क्या है वही जो हमने गजबाए तबूक के हवाले से रसुल्लि वसम का कौम समूद के हवाले से भी देखा था कि आपने फरमाया था कि जब अजाब रसीदा बस्तियों के पास से गुजरो तो वहाँ पर ठहरा ना करो वहाँ पर ठहरा ना करो ज़्यादा देर कयाम ना किया करो जितनी देर कयाम किया करो रो और इस्तार किया करो महज इंजॉयमेंट और इंटरटेनमेंट के लिए नजाब रसीदा बस्तियों के अंदर रहने का तस्वुर मौजूद नहीं है तो इनको भी ये कहा गया कि पीछे मुड़ ना देखना कि उनकी हालत उनकी रुदात ऐसी होगी कि वो देखने वाला नजारा नहीं है अल्लाह के अजाब के नजारों का मुशाहिदा करना इबरत के लिए तो किया जा सकता है लेकिन देखने और स्पेक्टेशन के लिए या साइलेंट स्पेक्टेटर बन के उसका मुशाहिदा करने से अल्लाह ने रोका तुम्हारा दिल हिल जाएगा तुम्हारे कदम ढगमग आ जाएंगे और अल्लाह ने वैसे भी रोका क्योंकि ये जो ग्रोह निकला इस पे से बहुत सो के घर वाले भी पीछे थे किसी का घर किसी की जायदाद किसी का मकान किसी के खेत किसी के बीवी किसी के बच्चे पीछे थे अल्लाह ने रोक दिया अब जब इस सफर पर चल निकले हो अब जब जराह हक के मुसाफिर बन गए हो तो तुम्हारे पीछे वालों के साथ जो हो उनका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं उनकी उदाद और उनके मुशाह को ना देखना क्योंकि अपने अपनों को अजीजों को जब तड़पते हुए देखोगे कहीं तुम्हारे कदमों में लग्जिश ना आ जाए अभी हमने हजरत नाम का किसा हाल ही में पढ़ा हजरत नूलाम का बेटा जब आया था तो हजरत नूसलाम ने क्या कहा था अल्लाह ये तो मेरा बेटा है दिल तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हिल गया हजरत अलैहिस्सलाम का हिल गया था तो लिहाजा अल्लाह ने इन बस्ती से निकलने वालों को मुड़कर देखने से इसलिए भी रोका कि अपनों को तड़पते और अपनों को अजाब में देखेंगे तो पता नहीं कौन डगमगा जाएगा किसके कदम फिसल जाएंगे किसका ईमान कमजोर और किसका ईमान मुतजलजल हो जाएगा और अपने घर वालों की मोहब्बत गालिब आ जाएगी तो लिहाजा एक तो इस मुशाहिदे की हैबत से बचने के लिए अजाब रसीदा बस्ती के नजारों को देखने से बचने के लिए तीसरी बात अपने पसमांदगान के उस अंजाम को देखकर कहीं कदम के डगमगा जाने से बचने के लिए और फिर वैसे भी पैवा में एक और भी तो है राहे हक के मुसाफिरों को पलट पलट के अपने माजी की तरफ नहीं देखना पीछे रह जाने वालों की तरफ नहीं देखना जब अल्लाह के करम और अल्लाह के फसल से अल्लाह किसी को शाहरा मुस्तकीम पर सराते मुस्तकीम के शाहरा पर गामज़न कर देता है तो फिर साबित से इस तकामत से पामर्दी या कदम के साथ अपनी उस जन्नत की बुलंद मजल पर निगाह रख आगे चलते जाना है मोमिन का माजी के साथ अगर कुछ ताल्लुक है तो यास आस काश का नहीं सिर्फ इस्तफार का ताल्लुक है मोमिन अपनी माजी की महरूमियों पर माजी के माजी के ताल्लुक पर या अपने नफरमानों के ताल्लुक या मोहब्बतों पर रोता और तड़पता नहीं माजी के साथ उसका ताल्लुक इस्तफार का है मुड़ के अपनी पिछली जिंदगी को खैर कहने वाला मुड़ के अपनी पिछली जिंदगी की तरफ चला दिया तो पलट के नहीं देखना ताकि कहीं पलट के शैतान वापस ना ले जाए बना सब पे तक तामना राह के मुसाफिर जन्नत की नजर रख के आगे देखते हैं मुस्तबिल की फिक्र करते हैं अपने हाल में दीन के ऊपर चलने वाले नुकसान के पेश नजर माजी और मुस्तबिल की तरफ पलटने का तरीका अख्तियार नहीं करते हैं और वैसे भी जब कोई शख्स दीन की दावत की तरफ निकलता है जिहाद की तरफ निकलता है तब भी उसे पलट के नहीं देखना आपको बताए साथ बड़े बड़े गुनाह मोबिकात सात बड़े बड़े हलाक होने वाले गुनाहों से बच्चों खदीस में आता है उनमें से एक क्या है मैदान जंग से पीठ फेर जाना मैदान दावत में मैदान तबलीग में मैदान दीन की अशात का हो या अमली मैदान जंग हो पीठ फेर के भाग जाना निकल आए इस मार्के में अब पलटने का इम्कान नहीं ये तो हमने आपको पहले बताया ही नहीं था आज पता चला जब इस मैदान में कदम रख देते हैं तो पीठ फेर के भाग जाना क्या है मुबिकात में से है साथ बड़े बड़े हलाक होने वाले गुनाहों में से है अल्लाह हमें अमली मुजाहिद बना अल्लाह हमें दीन की दावत और तबलीग में इस्तकामत अता फरमा अल्लाह हमें जन्नत की तरफ सफर में साबित कदमी अता फरमा अल्लाह मुड़ के अपनी सबका जिंदगी की सबका जिंदगी की सुस्ती और काहिलियों की तरफ पलटने से बचने की तोफीकता फरमा अल्लाह ने फरमाया तुम में से कोई पलट कर ना देखे पलट कर किसने देखा था बीवी पलट के देखती थी वाबस्तगियां उनके साथ थी मोहब्बतें उनके साथ थी दिल उनके साथ जुड़े थे और वैसे भी अल्लाह की नाफरमान थी अल्लाह के रसूल की नाफरमान थी अल्लाह ने कहा पीछे ना देखना रसूल ने कहा पीछे ना देखना शहर ने कहा पीछे ना देखना फिर भी देखती थी थी ही सरकश थी ही जिद्दी थी ही ढीठ धी, धीट, ढीठों का सरकशों का नफरमानों का अंजाम मोहब्बतों की तरजीहात को फर्क रखने वाले का अंजाम पत्थर गिरा हलाक के बर्बाद और तबाह हो गई हालांकि नबी के साथ मंसूब मन और मनकूह थी मगर तेरी बीवी ये साथ नहीं जाएगी क्योंकि उस पर वही गुजरने वाला है जो इन लोगों पर गुजरा था उनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है सुबह होते अब देर ही कितनी है फिर जब हमारे फैसले का वक्त आ पहुंचा तो हमने उस बलती को तल पट कर दिया कौम रवैये भी उल्टे करती थी इनको सजा भी उल्टी दी गई और इस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़ तोड़ बरसाए गए जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के लिए निशान ज्यादा था अल्फाज आ रहे मतन नाम लिखे गए थे गोया अल्लाह सुबहाना ताला को इन बेहयाओं पर इन बदकारों पर इन फखश कौम के एक एक फर्द पर इतना गजब और इतना गुस्सा था कि एक एक पत्थर जो इस कौम पर बरसाया गया था मुफसरीन कहते हैं एक एक पत्थर पर एक एक सरकश का गोया नाम लिखा था कि कौन से पत्थर के जरिए किस सरकश को हलाक किया जाएगा ये अल्लाह का इनफरादी तौर पर पूरी कौम पर इज्तमाही गजब नहीं इनफरादी तौर पर एक एक लवातत का अमल करने वाले के लिए गजब था कि एक एक के लिए अलग निशान जदा पत्थर जो है वह मुकर्र किए गए ये वही हदीस की तशरी नजर आ रही है कि अल्लाह सुबह भी गज़ब नाक होता है और अल्लाह शाम को भी गजब नाक होता है और अमले कौम में लूद करने वाले पर तीन दफा लानत के अल्फाज हैं तो ये वो मलून है और ये वो रहमत से महरूमी है कि भी गोया के लिए निशान सदाही की तरफ और ज़ालमों से ये सजा कुछ दूर नहीं अल्लाह सुबहाना हमें किस्सों को पढ़ने समझने इनसे असूल और सबक इबरत के तौर पर हासिल करने कौम को उन रवैयों से अशना करने और महसब और इस्तार करके इस्लाह की तरफ गामजुन होने की तोहफी कता फरमाए हजरत शुएब और उनकी कौम का किस्सा और रुदाद हजरत शुयब का ताल्लुक भी खानदान इब्राहिम ही से मिलता है इनके वाल का नाम कहीं जयन और कहीं मीकील जो है वो आता है अगर वालिद का नसब देखा जाए तो जयून बिन अनफा बिन साबित बिन मदियन और खास तौर पे हजर शोएब की वालदा इनका नसब हजरत इब्राहिम से जुड़ता है हजरत शोएब की वालदा हजरत लूत बिन हारान बिन तारे जो कौन थे हजरत इब्राहिम के भतीजे भी थे हजरत लूत बिन हारान बिन तारे की बेटी थी कोई अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ताल्लुक क्या बनता है हज़रत अलैहिस्सलाम हजरत लूत के नवासे थे और हजरत इब्राहिम के साथ रिश्ता हजरत इब्राहिम के भतीजे के नवासे थे हजरत अलैहिस्सलाम और यही नबी हैं हजरत शोएब जो मदियन की कौम में जब नबूवत के मकाम पर सरफराज किए गए थे तो हजरत अलैहिस्सलाम अपनी नबूवत से पहले इन्हीं के पास तशरीफ लाए थे हजरत शोएब के हवाले से अगर उनके मिजाज का मामला देखा जाए तो पता चलता है कि बहुत हाजिर जवाब भी थे बहुत हक गो थे हक कहने में बिल्कुल नहीं झिझकते थे कलाम में बड़ी फसाहत और खुतबात में बड़ी बलागत थी नबी वसल्लम ने रवायत में आता है कि हकायतुल कलाम में नबी अलैहि वसल्लम के हवाले से कोट किया गया कि आप वसल्लम फरमाते थे रा खतीबुल खतीब लंबिया कि हजरत हज़र शोबाम अंबिया के खतीब थे उनके मौसर वसाहत और बलागत वाले खिताब की वजह से उनको ये लकब दिया गया खतीबुलम्बिया का लकब दिया गया और वैसे अगर हम देखें तो हजरत शोएब के अलावा कुरान में जिन अम्बिया का जिक्र है इनके अलावा बीनाई की मज़ूरी के बावजूद और किसी कुरान के मजबूर नबी को नबूव से नहीं नवाजा गया जिन का कुरान में तस्करा मिलता है नबूवत से, से नहीं नवाजा गया जो कि बिनाई के उजर के बावजूद बुनियादी तौर पर नाबीना थे और कोई नबी नबूवत से नहीं नवाजा गया बावजूद नाबीना होने के और इसकी तफसीर में सुरा हूद की आयत नंबर 91 को कुछ मफस्सरीन कोट भी करते हैं कि कौम ने कहा इन्ना लनरा का फीना जोईफन कि ऐ शोएब हम तुझे अपने में बड़ा कमजोर और जईफ देखते हैं इन्ना लनरा का फीना शोएबन फीना जोईफन सुरा हूद की आयत नंबर 91 गोया येफ़ और ये कमजोरी कुछ मुफसरीन के नज़दीक तो उनकी माशी या माशरती कमज़ोरी थी यानी सोशली या इकनॉमिकली वीक थे लेकिन अक्सर मुफसरण कहते हैं कि यह सिर्फ माशी याशरती या कमज़ोरी नहीं ये इनकी बिनाई की कमी भी थी जिसका तस्करा इस आयत में मौजूद है हसरत शुएब के साथ जिन कौमों को मनसूब किया गया है कुरान में और वैसे हमें अहदीस के रूप से भी पता चलता है एहले मदियन एका, एका वाले और असहाबुल रास मदियन वाले और एका वालों का तस्करा तो उनके साथ कुरान में मिलता है लेकिन अगर तारीख का हवाला देखें तो तारीख इब्ने खलदूम में इसहाबुल रास की तरफ भी हजरत शोएब ही को भेजे जाने का तस्करा है अलबत् अजहाज का तस्करा तो कुरान में आया है लेकिन उनकी तरफ किस नबी को भेजा गया है इसका तस्करा कुरान में मौजूद नहीं है में इस बात पर अलबत् इख्तलाफ है कि मदियन वाले और एका वाले क्या ये अलग अलग दो कौमें थी या एक ही कौम के दो अलग नाम थे इसमें इख्तलाफ है अक्सरियत की राय है कि ये दो अलग कौमें थी सरा अल-आराफ में अल्लाह ने अहले मदियन के हवाले से फरमाया व इला मदाना अम शाइबन के तरफ मदीन के उनका भाई शब और एका वालों के हवाले से तस्करा आता है इसम शाएबन के जब उनके लिए शुयब ने कहा गोया इन दोनों आयात को अगर मिला के देखा जाए तो एक बात तो ये पता चल रही है कि दोनों कौमों की तरफ शुयब ही मुखातिब है दोनों की तरफ नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ही है और दूसरी बात एक बारीक सा फर्क पता चल रहा है कि मदियन की तरफ तो अखा शुएबन उनके भाई शुएब लेकिन एका वालों की तरफ इस कॉलेम शुएबन अखूहम या अखाहम नहीं कहा गया गोया हज़र शुएब आलाम बुनियादी तौर पर इन रवायात से पता इन आयात से यह पता चलता है कि मदियन में से थे उनका भाई कहा गया है लेकिन साथ ही एका वालों को भी यही नबी मबूस किए गए थे और उनको भी मुखातिब किया था मैं फिर दोहरा रही हूं कि बाज मुफसरीन की राय है कि ये एक ही कौम थी और इनके इनके नाम अलग थे लेकिन अगर हम तारीख को देखें और तारीख की तहकीक करें तो ये बुनियादी तौर पर दो अलग अलग कौमे हैं जिनका दौर जिनका वक्त और जिनके इलाके अलबत् बिल्कुल मुतसिल और जुड़े हुए हैं और सिर्फ ये नहीं कि इलाके मुतसिल और जुड़े हुए हैं ये बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक भी एक ही नस्ल से है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल की दो शाखे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हजरत कतूरा का भी तस्करा मिलता है इनके हवाले से ये बात वाज तौर पर आया नहीं कि ये उनकी बीवी थी या उनकी कनीस थी बाहर कैफ बीवी थी या लौंडी या कनीज थी इनके बतन से दो बेटों का तस्करा हजरत इब्राहिम के हवाले से मिलता है मदियान बिन इब्राहिम और दवान बिन इब्राहिम मदियान बिन इब्राहिम से बनी मदियान और दवान बिन इब्राहिम से बनी दवान की नस्ल चलती है और यहीं से ये दोनों कौमें हैं तो आप एक बेटे हजरत कतूरा के बतन से हजरत इब्राहिम के बेटे मदियान बिन इब्राहिम इनसे जो खानदान की लड़ी चली वो बनी मदियान है इन्हीं को अहले मदियन कहकर पुकारा गया है ये अहले मदियन या बनी मदियान जिस खित्ते पर आबाद हुए वो शुमाली हिजाज से लेके फलस्तीन तक नदरन हिजाज़ से लेके कर तक और फिर वहाँ पे जजीरा नुमा सीना में फैलता फैलता आखिरी हदूद जो बहरे कुलज़म की और खलीज फ़ारिस की हैं वहाँ तक इनकी आबादी जो है वो फैलती हुई नज़र आती है और ये इन दोनों खलीज फ़ारिस और बहर कुलज़म के साहिलों तक इनकी आबादी फैलती नज़र आती है ये कौन है ये असहा मदियन है ये कौम मदियन है और इस कॉम का जो सदर मकाम है उसको भी मदियन ही कहकर पुकारा गया है तारीख की कुतब में दूसरी कौम जो हजरत इब्राहिम के बेटे दवान बिन इब्राहिम से हैं इनसे नस्ल बनी दवान है अगर हम कुछ हिस्ट्री की कुतब देखें तो इनको तारीख में डिडनाइट्स के नाम से भी जाना गया है ये डिडनाइट्स बुनियादी तौर पर एक्का है और ये इलाका अरब का शुमाली इलाके के आबादकार हुए इनकी आबादी में शुमाली अरब के तीमा आला और तबूक के इलाके थे और यही एका वालों की बस्तियां हैं और इनका सदर मकाम एका था जो आज का तबूक का मकाम है अब अच्छा सवाल है कि दोनों कौमी की तरफ एक नबी क्यों भेजा गया असल में बात यह है कि दोनों कौमों की तरफ नबी एक इसलिए भेजा गया था कि इनके अंदर बहुत सी चीजें मुश्तर और कॉमन थी इनके इलाके मुतसिल थे बिल्कुल अटैच एट ज्वाइनिंग साथ साथ इलाके थे इनके इनकी नस्ल एक घरानों की लड़ी एक खानदान एक नसब एक रंग व नस्ल एक जात एक बरादरी एक जबान एक जब जदो अमजद अबाऊ अजदाद एक और फिर सिर्फ यही नहीं इनके जोग्राफियाई और इनके जो माशरती कुर्ब था जोग्राफिकल और इनके जो सोशल आपस में ताल्लुक था उसकी वजह से इनके रिश्ते भी आपस में शादियां और निकाह भी आपस में बहुत थे तो गोया ये दोनों कौमें आपस में रची बसी घुली मिली थी जाहिरतन तो दो कौमें थी लेकिन आपस में बहुत गहरे ताल्लुकात और गहरे रबते थे और रची बसी घुली मिली कौमें थे एक ही गुना थे एक ही तरीके थे एक ही बातों के खुगर थे इन कौमों के हालात और मामला कैसे थे अल्लाह अला सुबह ने इनको किन किन नियमतों से नवाजा था बड़ी फराखी माली फराखी थी और वैसे बड़ी मुतमदन और खुशहाल कौम थी सबसे बड़ा इनाम जो अल्लाह ने इस कौम पर किया था कि इनको तजारत तजारत में अल्लाह सुबहाना तला ने कुरैश मक्का की तरह तजारत में अल्लाह ने बड़ी बढ़ोती दी थी तजारत का इल्म और नो हाउ भी दिया था तजारत एक पेशा है इसका स्किल इसको नो हाउ इसकी टैक्टिक्स भी इनके पास थी और सबसे बड़ी बात है कि इस कौम को इनके तजारती बढ़ोती के लिए इलाका जो था ना वो बड़ा बेहतरीन था अपनी जियो पोलिटिकल लोकेशन की वजह से ये तजारत ने बड़ी तरक्की करके इनकी तजारत की इस इतनी जबरदस्त तरक्की की वजह इनकी जोग्राफियाई लोकेशन थी कुरान ने भी अल्लाह ने इसमें तस्करा फरमाया व इन नुम लिब लि लि, लि इमाम मुबीन व इन कि इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों लिब इमाम मुबीन वाज शाहराहों के ऊपर थी बड़ी बड़ी शाहरा के ऊपर ये दोनों बस्तियां कायम थी और ये वो दोनों शाहरा हैं अगर हम दौरे कदीम की शाहरा देखें तो ये बहरे अहमर से के किनारे पर ये यमन से लेके मक्का और शाम तक जाने वाले इलाके ये एक शारा और दूसरी शारा के हवाले से अगर देखा जाए तो ये दूसरी शारा जो है वो इराक़ से मिस्र की तरफ जाती थी तो ये दो शाहराहों के संगम पर गोया दो बड़ी बड़ी तजारती शाहराहे दो बड़े बड़े ट्रेड रूट्स के संगम पर चौराहे पर बैठी थी ये कौम जाहिर है जो कौम तजारती शाहराहों के चौराहे पर बैठी होगी उसकी तजारत तो फले फूलेगी उसके लिए तिजारत बहुत आसान होगी तो लिहाजा ये सारे मामला अल्लाह सुबहाना तआला ने इनको इनाम के तौर पर दिए थे लेकिन कौम की गलत रवि और कौम की सरकशी क्या थी कौम बुनियादी तौर पर न और बदमल थी अल्लाह सुबहान तजारत के फरोग के लिए सारे इस्बाब और वसाइल फराहम किए थे और वही जो मुतालबा अल्लाह का ऐसे मामला में अगर हम देखें तो अल्लाह फरमाते हैं कुरेश को भी तोल्ला ने तजारत के असबाब फ्राहम किए थे तोल्ला ने मुतालबा कियाफा अल्लाह सुबहाना तला ने कुरैश की उल्फट डाली थी लोगों के दिलों में उनका रोब उनका दबदबा उनकी हैबटत डाली थी उनका धाक बिठा दी थी लोग इनके काफलों को हाथ नहीं लगाते थे कुरैश मक्का के और फिर अल्लाह ने इनको रहलत व स्वैफ गर्मी और सर्दी के सफर इनको सिखा दिए थे आसान कर दिए थे तो अल्लाह ने ये दो तिजारत की आसानियों के बाद कुरैश मक्का से क्या मुतालबा किया था फलिया बदुर हाजिल बैत फलिया बुदुर अबा हाजल बैत इस रब इस घर के रब की अब इबादत करो तो अल्लाह का इस तौम से भी ये मुतालबा था कि जब तुम्हें तिजारत की बढ़ोतरी के सारे माल सारे वसबाब सारी चीजें फराहम करती हैं तो तुम भी क्या करो अल्लाह का शुक्र करो अल्लाह के निजाम को थामो अमन करो तो अल्लाह ने ये नेमतें इनको दी थी तो ये जो तिजारत और माल की बढ़ोतरी और कस्बे हलाल कमाने का जरिया रिस्क हलाल कमाने के वसायल इस बाब फ्राहम किए थे शुक्र का तरीका क्या था वजह कुरान में फरमाते हैं वक्त फजलम में रब को मल्ला का फजल तलाश करते रिस हलाल तलाश करते लेकिन इन्होंने क्या किया कि रिसके हलाल तलाश करके उसी पर तोल और कनात करने की बजाय उसी की बरकत की कोशिश और दुआएं करने की बजाय इन्होंने फितना फसाद करना शुरू कर दिया वैसे आपको बताएं कि रिजके हलाल तलाश करने वाले ताजिर का दर्जा तो क्यामत के दिन सवालहीन लंबिया और श्रौता के साथ होगा लेकिन इन्होंने ना फरमानी की इन्होंने ना शुक्री की और बुनियादी तौर पर इनका मसला भी माल ही की मोहब्बत था इन्ना शदीद तो माल की मोहब्बत ये फितना बनती नजर आती है बार बार फॉमों के अंदर ये माल की मोहब्बत थी जिसकी वजह से ये हरीस हो गए थे हिरस हवस लालच और तमा का शिकार हो गए थे और हदीस बताती है ना कि हेरस और हवस ईमान का कैसे नुकसान उठाती एक भूखा भेड़िया भी एक बकरियों के रेवड़ को वो नुकसान नहीं पहुंचाता जितना हिरस और हवस ईमान को पहुंचाता है तो ये जो माल की मोहब्बत के कैदी थे ये हेरस और हवस में जब मुब्तिला हुए तो ईमान का जनाजा उठ गया और ये बहुत से बड़े बड़े गुनाहों के मुर्तकब हो गए सबसे पहला गुना ये तजारती शाहराह पर होने का गलत फायदा उठाते थे और दूसरी कौमों के तजारती काफले जब यहां से गुजरते थे तो भारी खराज वसूल करते थे इनके पास कोई हक नहीं था इसका जमीन अल्लाह की है अल्लाह की जमीन पर दूसरे तजारती काफलों से भारी खराज या टैक्स वसूल करने का इनके पास इख्तियार नहीं था जस्ट बिकॉज दे हैपन टू बी हेयर एक्सप्राइट करते थे आने जाने वालों को रोकते थे और उन पर रोब और धबदबा डाल के उनसे खराज वसूल करते थे मतहरिकज्बा क्या है माल की मोहब्बत दूसरा ये कि ये बैन अल्कामी तजारती शाहराहों पर बैठते थे और ये इसके खुद काबज़ होना चाहते थे ये चाहते थे कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैं ना इस पर हमारा कब्जा हो जाए हमारी इजारा हो जाए आज भी तो झगड़े ट्रेड रूट्स पर और इन तमाम चीजों ही पर है ना सी रूट्स और ट्रेड रूट्स ये चाहते थे कि इन बैन अवी तजारती पर हमारा कब्जा हो जाए और बस ये खुद काबिज होने के चक्कर में इन तजारती शाहराहों पर लूट मार रहसनिया डकेतियां करते थे मकसद दो चांद होता था एक तो इसे माल समेटते थे और दूसरा लोगों को धमका के बाकी तजारती काफलों को वहां से भगा के अपनी मनोपली और अपना टोटल कंट्रोल इख्तियार करना चाहते थे अल्लाह ने कुरान में कहा वाला सुरात हर रस्ते पर तुम तो लोगों को डराने के लिए बैठे हुए हो तो लिहाजा ये इनका तरीका था फिर इनका तीसरा गुना क्या था तजारती खानत तजारती खानत और इनकी तजारती खयानत वही थी जो अल्लाह सुबहाना तला ने मुझे और आपको कुरान में सूरह मुतफीन में बता दी वही लुल हलाकत है तबाही है बर्बादी है नाप तोल में डंडी मारने वालों के लिए जो देते हुए तो थोड़ा देते हैं लेते हुए पूरा लेते हैं ये मुतफफीन थे ये नाप और तोल में कमी करते थे गोया ये तजारती खयानत भी पीछे मुतहरिक जल्सबा क्या था माल की मोहब्बत का शौक चौथा इन तमाम के साथ शिर्क। शिर्क और, के भी आती थे। और फिर और एक बहुत बड़ा कबी अमल वो ये था कि जब हजरत शोयब इनको रोकते थे इनको मना करते थे वाजो नसीहत करते थे तो जिद और ढिटाई से पूरे तकबर से अपने गलत रवैये पर जमे रहते थे बल्कि कौम को भी हजरत शोयब के रवैये पर ना चलने की ताकीद करते थे कहते थे कि अच्छा भला तुम्हारा कारोबार चल रहा है अच्छा भला तुम माल कमा रहे हो अगर तुम अलैहिस्सलाम की बातों के पीछे चलोगे तो तुम्हारा कारोबार तुम्हारा धंधा मंदा पड़ जाएगा ना खुद मानते थे और रास्ते में टेढ़ करके लोगों को भी अल्लाह की तालीमात पर चलने से रोकते थे हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने दावत जारी रखी तो उनको डराते थे उनको धमकाते थे और फिर आखिर में तो सूरह सूराहूद की आयत नंबर आज हम पढ़ेंगे रहता का का कि रायब अगर हमें तेरी बरादरी वालों का डरना होता ना तो हम तुझे कभी से रजम कर चुके होते तुझे संसार कर चुके होते तो नबी अल्लाह की तालीमत का इनकार जिद ढिटाई और तकबर से पिछले रवैये पर जमना गलत रवि पर जमना अति उल्लाह और अति रसूल से सरकशी यह सारे जज्बात मुतहरिक और वजह बनेब इलाही का अजाब कैसे आया अहले मदियन पर तो रजफा जलजले का तस्कर आता है जलजलों और होलनाक धमाकों का तस्कराता है और ये सब क्या है आतिशाह है आतिश वशाह के फटने से धमाका और आतिश वशाह के मद्दो जजर से जलजला, तो ये तो अहले मदियन पर रजफा का अजाब कुरान में मशकूर है असाबुल एका पर सुरह शौरा की आयत नंबर वन एटी नाइन में तस्करा आता जुल्लाह एक, एक साहिबान सा था एक बादल सा था एक छतरी सी थी जो इन पर छाई रहती थी असल में इस कौम ने एका वालों ने आसमान से अजाब का मुतालबा किया था इन्होंने खुद कहा था कि जा तू ले आ हम पर अजाब आसमान से अगर तू अपने वादे में सच्चा है तो लिहाजा इन पर एक छतरी सी बादल एक छतरी नुमा बादल इन पर छाया रहता था और इस आयत की तफसीर हजरत अब्दुल्ला बिनी कुछ ऐसे फरमाते हैं कहते हैं कि अल्लाह सुबहाना तआला के हुक्म से इस कौम इस बस्ती पर गर्मी हरारत और तमाजत जो है वो छा गई यानी बहुत शदीद गर्मी आ गई जैसे होता न, है ना हब्स हो जाता है बहुत शदीद गर्मी होती है तो अल्लाह के हुक्म से गर्मी की तमाजत इतनी बढ़ गई कि लोगों का दम घुटने लगा और लोग अपने घरों से निकलकर बाहर घबरा कर बाहर निकल आए जब उन्होंने दूर देखा तो कुछ मील दूर उनको आसमान पर एक बदली नजर आई इनमें से कुछ आदमी जो हैं वो उस बदली के पास चले गए और जब वो बदली के नीचे गए तो वहां पर कदरे की पाई जरा ठंडक पाई जिससे उनको राहत मिला सरूर मिला अब ये जो कुछ लोग उस बदली की तहकीक करने के लिए वहां गए और वहां पर खुनकी पाकर पुरसकून हुए तो इन्होंने अपनी बाकी कौम को भी वहीं बुला लिया वो कौम जो घबरा के गर्मी की तमाजत से अपने घरों से बाहर मैदानों में निकली थी ये तहकीक करने वाले पांच छह लोगों ने जब बादल के नीचे खुनकी महसूस की तो बाकी कौम को भी वहीं बुला लिया जब सारी कौम उस बादल के नीचे जमा हो गई तो क्या हुआ अल्लाह के हुक्म से उस बादल से आग बरसी वो बादल जो अमूमन बाराने रहमत का पैगाम लाते हैं वो अजाब अल्लाह का पैगाम ले आई अल्लाह की ताकतें हैं अल्लाह रहमत के वसीलों को बसावकात अजाब का जरिया बना देता है क्या ख्याल ऐसा नजर आता है कुछ लोग माल की कसरत भी कुछ लोगों के लिए क्या बन जाती है अजाब इलाही बन जाती है कि नहीं इल की कसरत बसाओकात अजाब बन जाती है याद रखिएगा कई दफा रहमत के जरिए जहमत बन जाते इंसान का अपना रवैया है ये बाराने रहमत बरसने वाले बादलों से बरसा तो सही लेकिन आग बरसी और वो सारी बस्ती के लोग जो अपने घरों से निकल के इस बदली के नीचे जमा हो गए थे बादलों ने आग बरसाई और सारी की सारी बस्ती जलकर राख हो गई सारे के सारे लोग जल के मर गए इनमें से एक भी नहीं बचा ये एक का वालों की रुदाद और हमें पता चलता है कि असाब रास ये लोग ये भी कुफर और इहाद और शिरक करते थे और इनको भी हज़रत शोएब शुएब ने मुतनब्बे किया आगाह किया खबरदार किया ये भी नहीं सुधरे और ये भी अजाब इलाही से हलाकुर बर्बाद हुए असूल क्या है पहला असूल इन नशर काला ओनीम शिरक सबसे बड़ा म्म है और ये वो जुल्म है कि इसके इस जुल्म का इतकाब करने वाले से अल्लाह इंतकाम लेता है शिरक करने वाली बस्तियों की रुदाते हम आज लगातार पहले से देख रहे हैं और शिर का अंजाम भी बार बार कौमों को भोगतता हुआ मैं और आप देख रहे हैं तो गोया शिर की कराहत महसूस होती है यहां से दूसरी बात वाल फितना तो अशद मिनल कतल फितना फितना कतल से भी ज्यादा शदीद है ये कौम क्या कर रही थी अल्लाह ने नेमतें दी थी अल्लाह ने माल दिया था खुशहाली दी थी तजारत में बढ़ोती दी थी तजारत के बेहतरीन वसाइल और इसबा दिए थे लेकिन सारे खुदादात वसाइल और इसबाब लेकर फितना फसाद कर रहे थे फितना फसाद कर रहे थे रखनिया रह करते थे डकैतियां करते थे लूट मार करते थे तावान लेते थे खराज लेते थे और तजारती ख्यानते करते थे कि जमीन में फितना फसाद था तो जब कोई कौम जब कोई कौम अल्लाह की नेमतें पाने समेटने वसायल और इसबाब समेटने के बावजूद अल्लाह की जमीन वो जमीन जिसके लिए अल्लाह ने फरमाया इन अर्जुल्लाह वो जमीन जो अल्लाह की है कौम जब, जब जमीन पर बसने वाली कौम जब अल्लाह के वसायल और इसबाब और नेमतें समेटने के बावजूद अल्लाह की जमीन पर अमन के बरखिलाफ बदमनी कायम करती है फितना फसाद बर्पा करती है अदल और इंसाफ नहीं जुल्म और जियादती की अंधेर नगरी मिटाती है तो याद रखिएगा वो इजाप इलाही की पुस्तक करार पाती है ये सजा इबरत का पैगाम सुनाती है हर तिजारती खयानत करने वाले को वो तिजारती खयानत करने वाला चाहे एक फर्द है वो तिजारती खयानत करने वाला एक घराना है एक माशरा है एक कौम है ये ये दास्तान तजारती खयानत के मुर्तकबीन को एक इब्रत का पैगाम बताती है अल्लाह ने तूरह वक्रा में फरमाया वाला ताकुल अम्बालाकुम्बई नकुम्बिल दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाया करो और बातिल तरीके से माल खाने की फहरिस्त में तजारती खयानतें और तजारती खर्त अव्वल फहरिस्त है वो तजारती खानत चाहे नापतोल की कमी है वो तजारती ख़यानत चाहे मिलावट या एडल्ट्रेशन है जखीरा वंदोजी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग है वो तजारती ख़यानत चाहे ऐबदार माल छुपा के बेच देना है और वो खयानत चाहे झूठी कसम खा के माल बेच देना है जिस कसम की भी है कुरान में भी वईद मौजूद है अहदीस में भी उसकी उसकी लानत के अल्फाज और सबहाना तला हा, के हाँ उसकी नापसंदीदगी के कसरत से अल्फाज मौजूद हैं तो जो कौम तजारती मामला में खयानत करेगी और तजानती मामला के अंदर बेईमानी धोखा फ्रॉड करेगी वो भी अजाब लही से दो चार की जाएगी इन कबायर इन कबीरा गुनाहों की मरतकब कौमें उनके लिए इन कौमों की किस्सों में बहुत बड़ी निशानियां हैं और फिर जो कौम खैर खाही से जो नसीहत करने वालों की भी मुखालिफत करती है खैर खाही मोहब्बत और खलूस के साथ हक बात बताने और समझाने वालों की मुखालफत करती है उनकी वाजो नसीहत और पिंदो नसीहत पर कान धरने के बजाय उनको धमकाती उनको डराती उनको निकालने की धमकियां देती है और उनके साथ सख्तियां और तलखियां करती है वो कौम जिद्दी भी इबरत के इबरत के अजाब से दो तो चार कर दी जाती है अगर हम एक दफा फिर मिनहसुल कौम अपना मुहासबा करें राहजनिया डकैतियां लूटमार, मार बाजार आजार है तजारती ख़यानतें पूरे भरपूर तरीके से शद्दोमत से जारी हैं शिरक बादशे के अंदर राइज है दीन की तालीम देने वालों की मुखालिफत भी है इनकार भी है इसतजा भी है और उनके साथ सख्तियाँ और जदकूब भी है अल्लाह आज हमें अपने हालात को समझने और उन पर असलाह और इस्तार करने की तोफ़ीकतं फरमाए रकू नंबर आठ आयत नंबर एट्टी फोर इला मदना शोहे बन और तरफ मदियन के उनके भाई शोएब अलैहिस्सलाम एक कसूर जो बार बार आ रहे हर नबी को एक ख़ास कॉम की तरफ मबूस किया जाता था खास कौम इलाका वक्त दौर की तरफ भेजा जाता था दूसरा असूल हर नबी अपनी कौम ही के लोगों की तरफ भेजा जाता था और तीसरी बात दोहरा लीजिए जो हमने हज़र अलैहिस्सलाम की कौम के किस्से में देखी हज़र अलैहिस्सलाम को अहले मदीन एका की तरफ भेजा गया अहल मदियन के हवाले से उनको भाई पुकारा गया गोया वो मदियन वालों ही में से थे और एका वालों की तरफ भी उनको दावत और नसीहत के लिए नबी बना कर मबूस किया गया औला या कहो मेहुद हर नबी की दावत अकीदाय तोहीद की अल्लाह की वाहदानीयत की याद रखियेगा दाई दाई अल्लाह के बंदों को अपने से नहीं मखलूक को खालिक से जोड़ता है या कॉम्ला वद्दा नीहत की दावत के साथ अकीदा तोहेद को रासिक करने के साथ अगला पैगाम कि जब रब वाद की पहचान दी तो उस रब वाद की बंदगी करो इबादत करो अतात करो और उसके अलावा तुम्हारा कोई और मबूत नहीं और देखो तुम नाप और तोल कैल कहते हैं नाप का तरीका और मीजान वजन से है तोल का तरीका तो नाप और तोल के तरीकों में कमी ना करो नापा जाता है मसन आप देखें जैसे कपड़ों को नापा जाता है और तोला जाता है जैसे तराजू के अंदर तो चीजों को तोला जाता है तो बहरहाल नाप और तोल में कमी ना करो ये सब क्या है तजारती खानते जिसका कौम शब्लाम अहल मदीय साहिब एका जो हैं वो तजारती खयानों का इरतकाब करते थे नबी का तरीका अमर बिलमारूफ नहीं अनिल मुनकर जब ओर ज्यादती को देखते थे तो हक की बात पहुंचाना नबियों की तरह दयान दीन का तरीका उन्होंने कहा कि तुम ना परतोल में कमी ना करो बेशक मैं मैं तुम्हें देख रहा हूं मैं तुम्हें आज अच्छे हाल में देख रहा हूँ यानी आज तो तुम्हारी तजारत बहुत बढ़ रही है तुम माल बड़ा कमा रहे हो और इन तजारती ख्यातों की वजह से खूब खूब माल समेट रहे हो आज तो मैं तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें अच्छे हाल में देख रहा हूं मगर मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा और ए बरदरा ने कौम दावत का तरीका हमेशा मोहब्बत का अपनाइत का खलूस का खैर का और बहुत ज्यादा जो है वो उनकी असलाह के जज्बे का एह भरा दराने कौम ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो और लोगों को उन चीजों में घाटा ना दो और जमीन में फसाद बरपा ना करो कॉम के जो जो गलत रवैया हैं वो खुल के सामने आ रही हैं कॉम क्या करती है ज़मीन में फितना फसाद राहजनी डकेती करती थी तावान और ख़राज वसूल करके फितना और जुल्म ज़्यादती रवा करती थी अल्लाह की ज़मीन में नासाफ़ी और बदबनी को कायम करती थी और कॉम का अगला तरीका ख़यानती खुर्दर्द करके तजारती मामला में बेईमानी करती थी अल्लाह की दीवी बचत तुम्हारे लिए बेहतर है रिस हलाल कमाओ हराम से इज्तनाप कराओ जो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे, तुम्हारे लिए तुम निगरान कार तो नहीं हूं नबियों को भी यही बात अल्लाह ने फरमाई और नबियों के हवाले से दायने दीन का तरीका भी ये मुस्विर तुम्हें किसी के ऊपर दारोगा नहीं बनाकर भेजा गया सिर्फ मुतनबे करना आगाह करना खबरदार करना हक को बयान करना दीन के दाई और दावत देने वाले का काम है अमल करना सुनने वाले का अपना इख्तियार और उसकी अपनी मर्जी उन्होंने जवाब दिया है शुब क्या तेरी नमाज ये सिखाती है कि हम इन सारे मबूदों को छोड़ दे जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे या ये कि हम अपने हमको अपने माल में अपने मंशा के मुताबिक तसवरफ करने का इख्तियार ही ना हो जवाब <laughs> था हजरत शेयब आसलाम की कौन क्या आपकी नमाज ये सिखाती है कि हम अपने आबाव इजदाद के तरीकों को छोड़ दें आज भी तो जरा सा कोई शख्स वाजो नसीहत करने लगे कोई नमाजी कोई दीनदार कोई मुबलिक कोई दाई बात करने लगे तो फौरन लोग क्या कहते हैं तुम जो बड़ी नेकोकार बनी फिरती हो हुँ? तुम जो इतनी नमाजी परहेजगार बनी फिरती हो तुम्हारा कुरान यही बताता है कि हम कुरान खानियाँ करनी छोड़ दें तुम्हारी कुरान की तालीम तुम्हें यही बताती है कि हम कलमे पढ़ने छोड़ दें तुम्हारा कुरान हमें यही बताता है कि हम कुल और चालीसों के ऊपर खत्म जो है फलाने फलाने कलमात का ये पढ़ना छोड़ दें तो आज भी ऐसी तनकीद है शैतान असल में मुतहरक है हर दौर में वो एक किस्म के जुमले और एक किस्म के वसुसे लोगों के दिलों में डालता है ए शुेब क्या तेरी नमाज बस यही सिखाती है कि हम इन सारे महबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते आए थे और यहां ये कि हमें अपने माल में अपनी मर्जी के मुताबिक तसारफ़ का इख्तियार ना हो ये क्या था वो कहते थे माल हमारा कारोबार हमारी मेहनत हमारी बिजनेस हम करते हैं ट्रेड हम करते हैं सफ़र हम करते हैं पापड़ हम बेलते हैं अपने खून पसाइने की कमाई के ऊपर तुम कहते हो कि मर्जी तुम्हारी होगी और तुम्हारे रब की होगी हमारा माल है भी हम जैसे मर्जी खर्च करें नहीं माल किसका है का है। वाहुअ वो जिसको चाहता है खुला देता है जिसको चाहता है नपा देता है तो गोया जब राज वो है रिज की कुंजिया उसके पास है तो जब वह राजिक अपनी रिस्क की कुंजियां खोल के मुझे और आपको देता है तो उसको अपना समझकर या अपने ज़ोरे बाज़ू का घमंड करके या अपनी सई का मामला करके इस्तेमाल नहीं करना उसको राजिक का रिस्क समझकर शुक्र के तकाजे के मुताबिक अल्लाह के अहकाम के मुताबिक कमाना है अल्लाह के हदूद के मुताबिक खर्च करना है हराम से खर्च करने से बचना है और अल्लाह के शुक्र के तकाज़ों के मुताबिक अल्लाह की रज़ा और जन्नत के हसूल और अल्लाह के बंदों और दीन खिदमत के लिए तो नेकोकार। सारा कुछ अब तुम्हें पता है ना तुम भी सारा कुछ बताओगी ना चार दिन पढ़ के हमें बताने आ गए शोहेब ने कहा भाइयों, तुम खुद ही सोचो अगर मैं अपने रब की तरफ से खुले शहादत पर था सोचो अगर वाकई मेरी बात सही हुई और उसने अपने हाथ से मुझे अच्छा भी दिया हो तो उसके बाद तुम्हारी गुमराहियों और हराम खोरियों में तुम्हारा शरीक हाल कैसे हो सकता हूँ और मैं हरगिज नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूँ मैं खुद उनका इरतकाब करूँ मैंने आपको बताया था शुरू में कि जब हम सूर् में कौमों के और नबियों के तस्करे पढ़ेंगे तो हम दो चीज़ों के ऊपर नज़र रखेंगे कौमों की गलत रवि देखेंगे और उसका अंजाम और उसके हवाले से अपना मुहासबा करेंगे और नबियों के रवैये देख के दिन की दावत तबलीग के हिकमत और तरीके और अदब सीखेंगे अब यहाँ पे देख लीजिए नबी की दावत का तरीका कि जिस चीज़ से कॉम को रोका जा रहा है खुद उसका इरतबाब नहीं करना कोई दीन की दावत देने वाला अपनी तजोरी में अगर हराम रिस्क भर रहा है अगर अपने कारोबार में बेईमानी, धोखा फ्रॉड कर रहा है अपनी दुकान के ऊपर ब्लैक मार्केटिंग और रिश्वत और सारी की सारी एडल्ट्रेशन का काम कर रहा है और जाके चिल्ले काट के लोगों को सदाकत के पैगाम दे रहा है तो ये दावत का तरीका नहीं है से रोजे काटता है और वहां पे दीन की दावत और तबलीग करता है लोगों को हक सच खाने और इसके हलाल का पैगाम और हदीस सुनाता है और अपनी दुकान के ऊपर बैठ के कारोबार के अंदर सारी बेईमानी और धोखे और फ्रॉड करता है ये दीन की दावत का तरीका नहीं है कुरान ने क्या फरमाया लिमात तुलू न माला तलून तुम वो बातें कहते क्यों हो जो तुम खुद नहीं करते नजदीक गुस्से के लिहाज से माला वो बातें इन लोगों को कहने लग पड़ो जो तुम खुद नहीं करते तो लिहाजा खुद खयानत करना खुद रिज हराम खाना और लोगों को सदाकत और रमानत और इसके हलाल की ताकद करना ये दाई का तरीका नहीं है तो लिहाजा नबी ने भी यह कहा मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें उन बातों से रोकूं जिनका मैं खुद इरतकाब करता हूं मैं तो इसलाह करना चाहता हूं जहां तक मेरा बस चले तो दाई के लिए नबी की अगली सुन्नत इसलाह उसकी जिंदगी का मकसद है एक दाई की जिंदगी का मकसद अपने माशरे की इसलाह उनको खैर की तरफ भलाई की तरफ हलाल की तरफ जायज की तरफ रब पसंद की तरफ लाना मुनकर और फहर्श से रोकना एक दाई की जिंदगी का मकसद और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूँ उसका सारे का सारा इंतज़ार अल्लाह की तौफ़ीक पर है उसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले की तरफ मैं उसी की तरफ रजू करता हूँ एक दीन के दाई के लिए हजर अलैहिस्सलाम के इन जुमलों में अगला पैगाम क्या है कि दीन की दावत करने वाले को अपनी दावत पर कोई घमंड, कोई तकबर अपने खिताब पर अपने खुतबों पर अपनी फसाखत पर अपनी बलागत पर अपनी इल्मियत पर अपने किसी चीज़ पर कोई तकबर नहीं वमा तौफीकी इल्ला की बिल्ला अगर मैं आप हम कुछ करेंगे तो इसमें हमारे जोरे बाजू हमारी सलाहियतों का कोई इख्तियार नहीं ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक है दीन का दाई हर वक्त शाकिर रहता है दीन का दाई हर वक्त जाकिर होता है दीन का दाई तकबर से बच के आजी और इनके सारे से अपना दामन भर लेता है अल्लाह जालनी सबूर व जालनी शकूरा व जालनी फियानी सगीरा व फिया नासी कबीरा बड़ी प्यारी दुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल इस हवाले से तो दीन का दाई अपनी ताकतों पर इंतजार नहीं अल्लाह की क़्वत अल्लाह की मदद अल्लाह की तौफीक पर इस्तकामत से जो है वो मामला करता है और फिर दीन की दावत देने वाला जब तकबर नहीं करता शुक्र और ज़िक्र पर आमिल होता है तो फिर ये सारा कुछ करने के बाद अल्लाह पर तवक्कुल करता है अल्लाह पर तवक्कुल करता है और हर हालत में उस ही से रजू करता है दीन के दयान के लिए तकबर की नफ़ी जिक्र और शुकर की कसरत और फिर अल्लाह के साथ तवक्कुल करके हर मामले हर दुख हर परेशानी हर रहनुमाई हर फैसले के लिए अल्लाह और अल्लाह के कलाम की तरफ रजू करने का तरीका और ए बरदरा ने कौम दीन का दाई खलूस से अपनाइत से मोहब्बत से देता है उसके रवैयों के अंदर भाईचारे की चाशनी नजर आती है ए बरादर आने कौम, मेरे खिलाफ तुम्हारी हर धर्मी कहीं ये नौबत ना पहुंचा दे कि आखिरकार तुम पर वो अजाब आकर रहे जो नू या सलाम की कौम पर आया था और देखो लूत की कौम तो तुमसे कोई ज्यादा दूर नहीं।, ये नहीं जो कौम जो कौम नबी की तालीमत से जिद करती है ढिटाई और धर्मी पर जमी रहती है वो जाबिला से दो चार होती है फरमाया गया कि लूत की कौम तुमसे दूर नहीं हमें पता चलता है कि तारीख से के कौम में लूत और हज़रत शोएब शब्लाम की कौम की रुदादों के दरमियान तकरीबन साढ़े छः सौ साल का मुद्दत का फासला है और ये मौरखीन बताते हैं देखो अपने रब से माफी मांगो उसकी तरफ पलट आओ बेश मेरा रब रहीम और अपनी मखलूक से महब्बत करता है याद रखिएगा दावत देने वाला कोई बड़ा से बड़ा मुबलिक कोई बड़ा से बड़ा दाई लोगों को अपने से नहीं उनको खालिक से जोड़ता है दूसरी बात जब कोई दीन की दावत देने वाला लोगों को खालिग से जोड़ता है तो रब की कौन सी सिफात का तारो मैंने और आपने जब अपनी दावत का आगाज करना है तो लोगों को खौफसदा करके हैपसदा अदा करके उसके काखिर उसके जाबिर होने का तस्करा करने की बजाय उसके गफूर रहीम होने का तस्करा उसके गाफिर जम होने का तस्करा उसके काबिल तौब होने का तारुफ करवाना है लोगों को उम्मीद दिलानी है खौफसदा करके लोगों को दीन से भगाना नहीं है सबसे पहले दीन की दावत का बुनियादी नुकता रब का तारुफ करवाने के बाद यह तारुफ करवाना कि उस रब को पहचानने के बाद तोबा करके उसकी तरफ पलटाओ तोबा का तस्वर तोबा का तस्वर अपनी दावत का एक अहम नुकता बनाना जरूरी है आप हर नबी की दावत में देख रहे हैं कि लोगों को तोबा की तरफ माइल किया जा रहा है आज आज दीन की दावत में कई लोग शिद्दत से लोगों के ऊपर कुफर के तफ्वे से कर देते हैं लोगों के ऊपर निफाक के कुत्ते सादिर करके उनको जहन्नुमी बना देते हैं लोगों को जहन्नमी बनाना उनके ऊपर जहन्नम का टाइटल या लेबल लगाना ये इसका बड़े से बड़े नबी के पास भी नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात तैयबा में एक शख्स शहीद होता है सहाबा साहबाकर फरमाते हैं या सल्लल्लाहु रसोल सलम ये ही है आपने फरमाया तो आपको कैसे पता है इस पर तो भी कर्ज भाज बोलता था किसी शख्स के लिए फरमाया गया यह जहन्नमी है आपने फौरन कहा तुम्हें कैसे पता है क्या पता इसको कौन से गुनाह की कौन से अपनी नेकी के बदले अल्लाह ने जन्नत दे दी हो तो लोगों पर कुफर के लोगों पर निफाक के लोगों पर जहन्नमी होने के फतवे सादिर करना ये दिन के दयान का तरीका नहीं है लोगों को जहन्नम से खौफ सदा करके भगाने की बजाय उनको तौबा के दर के खुले होने की उम्मीद दिलाना ये तावत और तबलीग का सबसे मुस्बत और पॉजिटिव और मोहब्बत से दावत देने के तरीके सिखाए रब का तारुफ पलट आओ क्योंकि जब कोई शख्स दिन की तरफ दावत दिया जाता है और वो कुरान अल्लाह की बंदगी से दूर और महरूम होता है तो उसको अपने माजी पे गुनाहों के जब धब्बे नजर आते हैं अपने माजी के किरदार में बहुत से गुनाहों की एक सरगुजश नज़र आती है अपने गुनाहों के भयानक असदहा नज़र आते हैं तो आने से रुक जाता है जब दाई उसको अस्तफिरल्ला के अल्फाज या तुब्ला जमीया की उम्मीद से इन गुनाहों का अगर वो ज़मीन से लेकर आसमान की छत तक भी हैं उनकी बख्शिश का वादा दिल है तो इंसान का दीन की तरफ आना बहुत आसान और बहुत सहल हो जाता है आसानिया कराओ मुश्किलें ना करो यस्सेरू वाला तो अस्िरु मोहब्बतें फैलाओ नफरतें ना फैलाओ ये है दिन की दावत का तरीका और फिर ये कि वो रब जो तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा आओ उसकी तरफ आओ अरे माशरा तुम्हारे गुनाह नहीं माफ करता तुम्हारी बरादरी तुम्हारी ज्यादतियां माफ नहीं करती अरे बहनों को भाइयों को रिश्तेदारों को अजीजों को कराबतदारों को मनाना मुश्किल अभी कुछ ही देर पहले से खातून अपनी हालत जहार बयान कर रही थी कि मैं अपने भाई के साथ उनके पाऊं पढ़ने को भी तैयार हूं और मैं पाऊं भी पढ़ती हूं मैं उनकी मेहनतें भी करती हूं मैं उनसे माफी भी मांगती हूँ लेकिन वो मुझसे माफी नहीं मांगते मेरी माफ़ी नहीं मानते और मुझसे राजी नहीं होते अरे दुनिया मनानी बड़ी मुश्किल है रब को मनाना बहुत आसान है रूठे हु को मनाना अरे दुनिया तो छोटी छोटी बात पर रूठ जाती है दुनिया तो हर बात पे पहले ही नाराज होने को तैयार है रब राजी होने के दरवाजे खोलता है रब अपनी रजा के तरीके से खाता है और रब अपनी राजी करने वालों को जन्नत के वादे फरमाता है उसकी रजा को अपना पैमाना बनाना है उसकी रजा को अपनी तलब और तड़प बनाना है दुनिया की नाराजगियों से गनी होकर उसकी रजा को अपनी अव्वल तरजीह बनाना है ये है दावत का सबसे बुनियादी नुकता उसको राजी करो उसकी तरफ पलट आओ अपनी बरादरी की तरफ पलटते हो अपने रिश्तेदारों की तरफ पलटते हो वो तुम्हें तुम्हें तो धुतकार देते हैं तुम्हारा माशरा तुम्हें धुतकार देता है अरे उसकी तरफ आओ जब तुम आते हो तो वो खुश हो जाता है कितना तो खुश होता है अल्लाह फरमा रहे यहां पर उसका तारुफ कैसे करवाया गया वो अलवूद है अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है और अल्लाह को अपने पलटने वाले बंदे के पलटने पर कितनी खुशी होती है हदीसे मुबारक के अल्फाज हैं आप वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया आपने मिसाल दी कि देखो अगर एक शख्स है वो सहरा में सफर करता है बे आबो गया वाती में सफर करता है और उसके पास एक ऊंट है जिस पर उसका कुल मताए हयात है उसका खाना पीना पानी सब उस ऊंट पर है और वो ऊंट गुम हो जाता है उसको तलाश करता है तलाश करता है बहुत तवील हदीस है इसलिए मैं मफहम बता रही हूं मुसाफिर बे गया सहरा में उसका ऊंट जिसके ऊपर कुल उसका सामान का ज़ादे राह और वो ऊंट गायब हो जाता है वह उसको तलाश करता है उसको ढूंढता है उसको ढूंढता है लेकिन ऊंट उसको नहीं मिलता थक हार के वो जिंदगी की आखिरी उम्मीद खोकर वो बैठ जाता है आपने फरमाया कि देखो जितनी खुशी इस मुसाफिर को उस ऊंट के मिलने पर होगी अल्लाह को उससे बहुत ज्यादा खुशी तब होती है जब बंदा उसकी तरफ पलट है और फिर हदीस के अल्फाज आप सल्लमत उमर रजी अल्लाह फरमाते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लम एक जंगी मारके के बाद तशरीफ़ फरमाते तो कुछ लॉन्डी और गुलाम कैदी जो हैं वो आपके सामने हाजिर किए गए तो उन कैदियों में एक औरत भी थी जिससे उसका बच्चा छीन लिया गया था यानी एक औरत थी और उसके पास उसका बच्चा नहीं था अब ये औरत जो अपने दूध पिलाते पी पीते बच्चे से छीन कर अलग कर दी गई थी इसकी कैफियत ये थी कि इसकी मामता की कैफियत ये थी कि ये दूसरे बच्चों को पकड़ पकड़ के अपने साथ लगाती थी और रोती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस औरत का हाल देखकर हम लोगों से पूछा कि क्या तुम लोग ये तो करते हो कि ये माँ ये माँ जो अपने बच्चे से इतनी उदास है कि दूसरों के बच्चे अपने सीने के साथ चिमटा रही है तुम इस माँ से उम्मीद करते हो कि ये अपने बच्चे को खुद आग में फेंक देगी तो साहब एक राम ने फरमाया कि नहीं तो फिर साथ ही फरमाया कि नहीं खुद फेंकना तो दरगज़ार अगर वो इसको गिरता हुए भी देखेगी तो अपनी बचाने की पूरी कोशिश करेगी तो आप वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह का रहम अपने बंदों पर उस औरत से बहुत ज़्यादा है जो वो अपने बच्चे के लिए रखती है ये रब है रब की रहमतों का तारफ़ करवाएं उसकी मोहब्बत का तारुफ़ करवाएं याद रखिएगा एक शख्स के लिए नेकी तभी मुमकिन होती है जब उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आ जाती है ना तो फिर नेकी करनी बहुत आसान होती है बताएं किसकी मर्जी का काम करना आसान होता है जिससे मोहब्बत होती है उसकी मर्जी माननी और उसकी मर्जी का काम करना आसान होता है बेटे बहुत प्यारे होते हैं उनकी मर्जी का पकाने पर दिल करता है शोहर बहुत महबूब होते हैं उनका मर्जी उनकी मर्जी के मुताबिक पहनने पर दिल करता है कि नहीं हमें जो महबूब होता है उनकी मर्जी मानना हमारे लिए बहुत आसान होता है चाहे वो मुश्किल से मुश्किल अरे महबूबा तो कह दे कि आसमान से तारे तोड़ो तो उसका तो आसमान से तारे तोड़ना भी आसान समझता है मोहब्बत बड़ी चीज है मोहब्बत जब किसी जात के लिए दिल में आ जाए तो उसकी अतात बड़ी आसान हो जाती है और यही दीन का तरीका है और यही दाई का काम है लोगों के दिलों में की पहचान उसकी वादा डालने के बाद उसकी मोहब्बत डालनी है और मोहब्बत डालने का सबसे आसान तरीका यह बताना कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है मुझे कोई आके बताए वो फला आपका बड़ी मोहब्बत से जिक्र कर रही थी वो फला बड़ी मोहब्बत से आपके लिए तोहफा लाई है तो क्या ख्याल है दिल में खुद से खुद उसके लिए मोहब्बत आती है ना तो दिल में मोहब्बत किसकी आती है अब कड़िया जोड़ें अल्लाह की अताद कब आसान होगी जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी अल्लाह की मोहब्बत कब आएगी जब अल्लाह की मोहब्बत का एहसास हो जाएगा जब किसी शख्स को यह एहसास हो जाता है कि मेरा खालिक मुझसे कितनी मोहब्बत करता है मेरा खालिक मुझ पर करम कर रहा है मेरा खालिक मुझ पर कितना रहम कर रहा है उसकी मुझ पर कितनी बरकतें कितनी रहमतें कितने इनामाते हैं और फिर वो मुझे कितना टूट के चाहता है तो फिर इंसान को उससे मोहब्बत होती है ये है मेरा और आपका काम दीन की दावत में लोगों को अल्लाह से खाइब करके भगाना नहीं है उनको रब की मोहब्बत का यकीन दिलाएं इस मोहब्बतों के महरूम माशरे में याद रखिए अगर हम इस माशरे को यह एहसास दिलाने में कामयाब हो गए कि अल्लाह मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है तो आज का माशरा जो मोहब्बतों का मोहब्बतों का बहुत प्यासा है हकीकी मोहब्बत का फुकदान है ना हकीकी मोहब्बतें बहुत उठ गई बहुत कम होती चली जा रही हैं तो जब किसी को ये एहसास दिला देंगे कि एक साथ है जो तुम्हें हर हाल में हर वक्त हर कैफियत में सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है तो फिर उसकी मोहब्बत दिल में आएगी ये है दीन की दावत का एक सबसे इफेक्टिव उसका हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो अपने रब से माफ़ी मांगो और उसकी तरफ़ पलट आओ मेरा रब रहीम और अपनी रब से मोहब्बत रब अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है उन्होंने जवाब दिया आए शुएब तेरी बहुत सी बातें तो हमें समझ में नहीं आती आज भी लोग कहते हैं पता नहीं कुरान पढ़ने वाले क्या बोलते हैं मैं तो सर के ऊपर से ही गुजर जाते हैं पता नहीं कितनी मोटी मोटी और आज ये भी बहुत ही डैलेमा हो गया एक तो आधे लोग ये भी कहते हैं कि ये कुरान पढ़ने वाले एक तो ज़बान ही इतनी मुश्किल और उर्दू ही इतनी शकील बोलते हैं हमारी यूथ को तो आधी यूथ को ये प्रॉब्लम है ना वो जो अंग्रेज़ी स्पीचिंग किस्म की यूथ है वो कहती है हमें तो इनकी ज़बान इनकी बोली नहीं समझ आती पता नहीं ये क्या बोली बोलते हैं हज़ार ज़बान को सादा करें असल में ये शैतान धमका रहा होता है दुनिया जहान में जाके शॉपिंग करते हुए डायरों टेलरों सारों की उर्दू समझ में आ जाती है दीन की दावत देने वाला चांदी आधी अंग्रेजी और आधी उर्दू बोल रहा और सादी और सलीस ज़बान में भी बोल रहा हो तो मामला शैतान यही कहता है हमें तो इनकी बोली समझ नहीं आती उनको भी यही कहा बहुत सी बातें हमारी तो समझ में नहीं आती हमारे सर पे से गुजर जाती हैं पता नहीं क्या बोल रही थी और हम देखते हैं तो तुम्हें हमारे दरमियान एक बेजोर सा आदमी समझते हैं तेरी बरादरी ना ना होती तो हम तुझे संसार कर चुके होते तेरा बलबूता हम पर इतना तो नहीं है कि तू हम पर भारी हो जाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी यही था कि उनके कुरैश की बरादरी और हजरत अबू तालिब जो है उनके हवाले से वो कहते थे कि अगर हजरत अबू तालिब ना होते तो हम कभी से आपके साथ मामला कर चुके होते तो यही मामला था उन्होंने कहा कि अगर हमें तुम्हारी बरादरी का ना ना डर होता तो हम कभी से तुम्हें संसार कर चुके होते कौम का तरीका क्या है अपने खैर खाहों के साथ अपनी नसीहत और वसीयत करने वालों को संसार करने की धमकियां देते नजर आ रहे शोएब शोब अम ने कहा भाइयों क्या मेरी बरादरी तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी है कि मतलब मेरी बरादरी जो मेरी पुष्ट बनाई करती है तुम इसकी डर की वजह से मुझ पे हाथ नहीं उठा रहे है? या वो जो अल्लाह मेरा निगेबान है उसकी डर की वजह से हाथ पैमाने खौफ और डर के फर्क थे ना और अल्लाह को तुमने बिल्कुल ही पसे पुष्ट नहान लिया है जान रखो जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की गरीब से बाहर नहीं ए, मेरी कौम के लोगों अपने तरीके पर काम किए जाओ मैं अपने तरीके पर काम कर रहा हूँ दीन की दावत देने वाले का क्या तरीका अगर उसकी वाज उसकी नसीहत पर कौम कान ना धरे तो क्या उसको काम छोड़ देना है नहीं कौम को उसके तरीके पर अमल करना है कौम के ऊपर दारोगा बन के खड़े नहीं हो जाना लेकिन अपनी दावत और तबलीग का काम करते चले जाना है अल्लाह हमें साबित कर जल्दी तुम्हें मालूम हो जाएगा की जिल्लत काज आप किस पर आता है और कौन छूटा है तुम भी इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ चश्म भराऊ आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से सलाम और उनके साथियों को बचा लिया अल्लाह का तरीका यही होता है और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक साख्त धमाके ने आ लिया आपको पता है कि रजवा का अजाब जो है वो मदियन वालों की तरफ आया था और एका वालों की तरफ वो आग का बादल जो है वो बरसाया गया एक सख्त धमाके ने उन्हें ऐसा पकड़ा कि वो अपनी बस्तियों में बेहस हरकत पढ़े के पढ़े रह गए गोया के वो वहां कभी बस से ही ना थे सुनो वाले भी दूर फेंक दिए गए जैसे फेंक फेंके गए थे ला लाता मिनहुम अल्लाह सुबाना तला हमें इनमें से ना बनाना मोहलत अमल में होश के नाखुन लेके इसफार मुहासबा करके इस्लाह की तरफ जाने वाली खुश नसीब कौम बना देना अब ला तुजू बना बस तना लना मिल्ला तो Inna kantal wahab. Amin. Sumami.